गुड इवनिंग सर। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। गुड इवनिंग बेटे। फाइव मिनट्स है अभी तो। हाँ बेटे। किसी को कुछ डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो अभी।
15. गोविंद गुप्ता टाइम टेबल नहीं आया ना। इस वीक का छैनिका नॉट येट। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रोथ के कर्व जे शेप और एस शेप वो दोनों स्टडी किए थे। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल थे बेसिकली वो एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल था। उसमें आपने स्पेशली कैरिंग कैपेसिटी एक बार पोटेंशियल फिर से समझा दो। कौन सा बेटा? बायोटिक पोटेंशियल बायोटिक पोटेंशियल मैंने बताया था कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। मींस कोई भी एनिमल या कोई प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ स्पैन में कितनी बार रिप्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम, उसको हम उस ऑर्गेनिज्म का बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। भाई लिविंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इवोल्यूशन में? जैसे हमने कई बार इस चीज को बोला है मैंने कि इवोल्यूशन में लिविंग होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम लिविंग है। बिकॉज एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही था, एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। तो ये लैमार का स्टेटमेंट था, यहीं से एवोल्यूशन को स्टार्ट माना गया। सो बायोटिक का मतलब है लिविंग, पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी। तो लिविंग की एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ स्पैन में मैक्सिमम कितना रिप्रोडक्शन कर सकता है वो उसका बायोटिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करने के लिए ऑब्वियस है कि आपको जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देने हैं किसी ऑर्गेनिज्म को जो चाहिए वो सब आपको देने पड़ेंगे, तभी तो मैक्सिमम आएगा। तो अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ये उसके साथ जोड़ दिया गया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हमने लिखा था कि अगर जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे लिए सब कुछ फेवरेबल हो जाए या किसी प्लांट के लिए मान लीजिए सब कुछ फेवरेबल हो जाए, एनिमल या लायन के लिए सब कुछ फेवरेबल कर दिया जाए, तो एक लायनेस अपनी पूरी लाइफ में कितनी बार रिप्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम, वो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बन जाएगा। ये टर्म था। लेकिन मैक्सिमम नेचर सस्टेन नहीं करती, नेचर का एक फोर्स रहता है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को अंडर द कंट्रोल रखे। दैट फोर्स इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के माइनस एन अपॉन के। और जब फोर्स अप्लाई होगा तो किसके अंदर रखना है, लिमिट्स क्या है, दैट लिमिट इज द के, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। कि एक कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट के नीचे ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कैरिंग कैपेसिटी के जो लाइन है उसके पैरेलल में ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आ जाए। जो आपने एस शेप में लास्ट में लिखा था कि वो के इक्वल्स टू एन हो जाएगा जब कभी एसिम्प्टोट की कंडीशन आएगी, है ना। तो एक ग्राफ हमने बनाया था, ये इसमें समझा था कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये इस डॉटेड लाइन के पैरेलल आ जाए, यही मैक्सिमम है, वरना ऑर्गेनिज्म इस सीक्वेंस में ग्रो करेगा। तो बायोटिक तो पोटेंशियल सर जब ये पैरेलल आ जाएगा हाँ पैरेलल आ जाएगा, नॉर्मली ये पैरेलल ही तो रहेगा, सर इसको कभी टच नहीं करेगा इन द नॉर्मल केस। बट ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा हम नहीं कह सकते, बिकॉज सबका लाइफ स्पेन अलग है, किसी का 1 month है तो किसी का 600 ईयर्स भी है। तो ये कहाँ तक जाएगा तो ये तो सर नहीं कह सकते, लेकिन पैरेलल हो जाएगा इन द नॉर्मल केस। और कभी अगर हम हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लें कि ये इसको क्रॉस कर जाएगा, वो तभी हो सकता है जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो दो पैरेलल लाइन को मिला सकते हैं, बिना उसके नहीं आएगा, फिर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाएंगे। तो वो चीज केवल तब आएगी जब एन की वैल्यू, एन है रेड वाली लाइन और के है ये ब्लू वाली लाइन, जब के और एन बराबर हो जाएंगे तो ये एसिम्प्टोट की कंडीशन आ जाएगी।
ये हमने लास्ट में पढ़ा था ग्राफ में। सर, ये जो पैरेलल आने की कंडीशन हम इसको ही बोल रहे हैं ना, ये सिम्प्टोट। नहीं, एसिम्प्टोट वो पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई एक्सिस के, उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स को एसिम्प्टोट कहा जाएगा। ये मैथमेटिकल टर्म है। किसी ने पूछा था 600 किसका लाइफ स्पैन है। 600 ईयर्स तो पाइनस का भी है, टॉर्टाइस का भी 300 ईयर्स होता है, लोटस का तो 700 ईयर्स से ज्यादा है, बहुत सारे हैं। सर लोटस का, हाँ, लोटस के सीड्स की वायबिलिटी 700 ईयर से ज्यादा है। लोटस का प्लांट की जो वायबिलिटी है, सीड में एक्चुअली वायबिलिटी टर्म यूज करते हैं, ये अलग अलग है। अब उस ग्राफ के कॉन्टिन्यूएशन में आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, जो स्मॉल आर वैल्यू हमने लिखी थी, ये लास्ट पेज है। तो इसमें आपने ये देखा था कि स्मॉल आर की वैल्यू अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है, जो एनसीईआरटी में गिवन थी वो हमने याद कर ली। इसी आर को हमने रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विनियन फिटनेस कहा था, कि डार्विन ने जब इवोल्यूशन में बताया कि ये स्पीशीज फिट है और ये नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट दिया, तो उसका मैथमेटिकल एंगल ये था कि जितनी ज्यादा आर वैल्यू होगी किसी भी स्पीशीज की, वो उतनी ही ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होगी। और नेचर में जब इवोल्यूशन होता है तो इसी रिप्रोडक्टिव फिटनेस के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में वेरिएशन आते हैं, आप अगर नोटिस करोगे तो ये रूल हमेशा आपको मिलेगा, यही हम पढ़ेंगे भी, कि जिन ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है ना, स्मॉल साइज के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें यूजली रिप्रोडक्टिव नंबर बहुत ज्यादा होता है, मतलब वन टाइम में वो जब नंबर देंगे तो बहुत ज्यादा देंगे। जैसे हमारा साइज बड़ा है लेकिन जब बर्थ होती है तो यूजली वन ही होती है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स के केस तो रेयर टू रेयर में जाएंगे। एलिफेंट का देखो साइज बड़ा है लेकिन अगर आप कहें कि नंबर ऑफ बेबीज पर गेस्टेशन पीरियड तो ओनली वन। ब्लू व्हेल में जाओगे तो भी सेम आएगा। तो ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो वो प्रोड्यूस करेगा पर रिप्रोडक्टिव साइकिल वो बहुत कम होगा। उल्टा कर लीजिए, अगर ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत छोटा कर देंगे तो नंबर ऑफ बर्थ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जैसे आपने सुना हो कभी यार, नहीं पढ़ा है तो, एक एस्कैरिस का जो पेयर होता है, एस्कैरिस तो कितना है, फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और थिकनेस के हिसाब से 1.2 या 2 सेंटीमीटर थिकनेस आती है। तो एस्कैरिस आप जानते तो हैं कि एक, अगर आप एस्कैरिस को कंसिडर करें निमेटोड को, तो वो वन टाइम में, मतलब वन ब्रीडिंग सीजन में जो फीमेल एस्कैरिस है वो 1.5 करोड़ एग ले करती है। अगर सारे के सारे एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाए तो एक फीमेल एस्कैरिस से 1.5 करोड़ एस्कैरिस बन जाएंगे एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में। और ये फीमेल एस्कैरिस अपनी पूरी लाइफ में कितनी बार रिप्रोडक्शन करेगी वो अलग है। जैसे हमारे लिए कि हमारी लाइफ के हिसाब से हम कितनी बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो अलग बात है, बट एक बार रिप्रोडक्शन करने में एक बेबी बॉर्न हो रहा है। तो ये नेचर ने बैलेंस किया हुआ है कि जहां साइज कम है वहां रिप्रोडक्टिव नंबर ज्यादा है, जहां साइज बड़ा है वहां रिप्रोडक्टिव नंबर कम कर दिया। अगर उल्टा होता कि एक एलिफेंट जो है वो साइज में भी बड़ा है और पता चला कि नंबर ऑफ बर्थ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर बहुत ज्यादा होती तो पता चला कि पूरे ग्रासलैंड में एलिफेंट ही एलिफेंट नजर आते। तो अर्थ पे या इवोल्यूशन में जो नेचर ने मास वॉल्यूम का रेशियो मेंटेन किया है, कि साइज छोटा है तो नंबर ज्यादा या नंबर कम है तो साइज बड़ा कर दिया, ये चीजें। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो केवल लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, दे ब्रीड वंस इन लाइफ, पूरी लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है, बट जब होगा तो नंबर बहुत ज्यादा होगा, है ना। जैसे आप रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के हिसाब से प्लांट में पढ़ते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक क्या था, बेम्बू फ्लावरिंग वंस इन लाइफ, पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, जैसे बनाना एग्जाम्पल था मोनोकार्पिक का। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग मैनी टाइम्स इन लाइफ। अब आप सोचो कि एक प्लांट में एक बनाना का जब बंच आता है तो एक बनाना के बंच में कम से कम थाउजेंड्स ऑफ बनाना होते हैं, हमें तो वो काट काट के देते हैं, 12 चाहिए या 18 चाहिए, 1 दर्जन 1.5 दर्जन, जो पूरा बनाना का बंच होता है उसमें लगभग 1000 के आसपास जो है वो बनाना होते हैं। अगर ये बनाना हर साल करता रिप्रोड्यूस तो बनाना ही बनाना फैल जाते पूरे एरिया में। ये चीजें नेचर ने बैलेंस कर रखी है कि जहां पे साइज छोटा है वहां नंबर ज्यादा, जहां साइज बड़ा है वहां नंबर कम।
कुछ ऐसे हैं जो पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरी लाइफ में कई बार ब्रीड करते हैं, ये सिचुएशंस भी आएंगी। तो ये सारी बातें बेसिकली क्या है, ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को शो करती हैं कि इवोल्यूशन में ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन क्या क्या वेरिएबिलिटी है। और जो मॉडर्न इकोलॉजी है वो उसमें जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि इस स्मॉल आर की वैल्यू से हम ज्यादा से ज्यादा इवोल्यूशन को समझ सकें। तो बस एक छोटा सा पैराग्राफ है बट इम्पॉर्टेंट है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप उस हिसाब से याद रखिएगा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। और ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन किस टर्म में दिए गए, सेम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर वैल्यू। अब एज पर डार्विन अगर हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो पॉपुलेशन इवॉल्व होती है सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो सके, है ना। यहाँ पे एक लाइन आपको लिखनी है, पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसको स्मॉल आर वैल्यू से शो किया जाता है, आप पिछली क्लास में रिप्रोडक्टिव फिटनेस पढ़ चुके हैं। और मैक्सिमाइजेस का मतलब क्या होगा, हायर आर वैल्यू, जितनी ज्यादा आर वैल्यू आएगी उतना ज्यादा वो जो है वो रिप्रोडक्टिवली फिट कंसिडर किया जाएगा। कहाँ पे, इन द हैबिटेट जहां वो रहते हैं, इन द हैबिटेट वेयर दे लिव। तो इस हैबिटेट में रहने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी क्राइटेरिया यही है कि आर की वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा करना। अब इस बेसिस पे जब आप लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन को पढ़ोगे तो उसमें आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें तो देर आर फ्यू एनिमल्स जो वन टाइम ब्रीडर हैं, ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ, पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं। जैसे पैसिफिक सैल्मॉन फिश है, पैसिफिक ओशन में जो सैल्मॉन फिश है वो वन टाइम ब्रीडर है, या सर ऐसा बैम्बू। हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज भी बड़ा है और नंबर ऑफ प्रोजीनी एक बार में आ देता है, ऐसा लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप सोच के लेकिन सर देखिएगा। उसका नंबर ऑफ ब्रीडिंग टाइम बहुत कम दिया हो नेचर ने उसे। ऐसा बेसिकली आएगा नहीं क्योंकि फिर वो बैलेंस नहीं आएगा ना। अब जैसे बैम्बू है, बैम्बू एडवांस है, बैम्बू में नेचर ने क्या किया, बैम्बू को वन टाइम ब्रीडिंग बनाया। बैम्बू इज ए मोनोकार्पिक प्लांट, है ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में, ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं। तो बैम्बू अगर मोनोकार्पिक प्लांट है तो बैम्बू को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ऑप्शन दिया है ना, अदरवाइज बैम्बू एडवांस के, बैम्बू क्योंकि ग्रास है और ग्रास आपने पढ़ा है कि मोस्ट एडवांस टाइप के प्लांट हैं, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लास्ट में ग्रासेस आते हैं, एंजियोस्पर्म के मोनोकॉट, और मोनोकॉट की लास्ट फैमिली है ग्रास फैमिली, उसमें बैम्बू आएगा। तो बैम्बू को अगर नेचर ने एक तरफ से कान पकड़ा तो दूसरी तरफ से छोड़ दिया कि भाई एक तरफ से दे रखा है कि आपको ब्रीडिंग एक ही बार करनी है पूरी लाइफ में, वन टाइम ब्रीडर है, मोनोकार्पिक है, 50 ईयर्स में एक बार केवल फ्लावरिंग होती है, बट हर साल उसे वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करने के लिए ऑप्शन दे दिए, बैम्बू में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। तो सर्वाइवल अगर इवोल्यूशन के हिसाब से वो मैक्सिमाइज हुआ तो आर की वैल्यू कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, अगर इधर से नहीं निकल रही तो किसी और मेथड से निकलेगी। ऐसे पैसिफिक सैल्मॉन फिश है, वैसे तो फिशेस प्रिमिटिव एनिमल है, इन टर्म्स ऑफ कॉर्डेट अगर देखेंगे तो फिशेस सबसे पहले आती हैं, लेकिन उसको भी वन टाइम ब्रीडर बनाया कि एक बार ब्रीडिंग करती है, स्पॉनिंग करती है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब ब्रीडिंग करती है तो लार्ज नंबर होगा स्मॉल साइज की ऑफ स्प्रिंग्स का, फिश तो छोटी छोटी बनेंगी लेकिन नंबर में अगर आप देखोगे तो थाउजेंड्स टू लैख नंबर बन जाएगा वन टाइम की ब्रीडिंग में। अगर ये हर बार ब्रीडिंग करती या ये कई बार ब्रीडिंग करती तो पता चला पूरे पैसिफिक ओशन के अंदर केवल सैल्मॉन फिश नजर आती, बाकी तो कुछ होता ही नहीं। तो वो चीज ना हो तो उसके लिए उसने ये किया कि ब्रीडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया रादर देन कि नंबर किया जाए, करने को नंबर भी कर सकती थी, बट इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में हमेशा हम जो सोचते हैं वो हुआ होगा ये जरूरी नहीं है, बिकॉज इवोल्यूशन पहले हुआ, सोच आप आज रहे हो, हम पास्ट में जाके देख तो नहीं सकते, हम केवल एविडेंस के बेस पे पता करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, पॉसिबली ऐसा हुआ होगा। तो अगर हम ये कहें कि सर इसमें नंबर कम कर लेते, ब्रीडिंग ज्यादा कर लेते,
तो अब उस टाइम पे ये क्यों नहीं हुआ या नेचर ने क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम पास्ट में जाके चीजों को देख तो नहीं सकते। बट अभी हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि आर वैल्यूज के हिसाब से हम उनकी इवोल्यूशन की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मैनी टाइम ब्रीडर की बात करेंगे तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द बर्ड या मैमल्स को देख लीजिए आप, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, और प्लांट के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंगो, गावा, हर साल इनके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर ज्यादा है, साइज कम है ना, लार्ज नंबर स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगेन इसके अंदर एग्जाम्पल आपका या तो ओइस्टर जो पर्ल वाले हैं वो आ जाएंगे, या पेलेजिक फिशेस हैं, और इसका अगर हम उल्टा लिखें तो वो भी पॉसिबिलिटी है, स्मॉल नंबर लार्ज साइज्ड ऑफ स्प्रिंग। साइज बड़ा है बट स्मॉल कर दिया नंबर में, जैसे अगेन यहाँ पे बर्ड और मैमल्स आ जाएंगे। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं नेचर में इनको, और ये सब इवोल्यूशन में अपने अपने ग्रुप में एडवांस कंसिडर किए जाते हैं, तो उनमें एडवांस करने का रीजन या आर वैल्यू ज्यादा आने का रीजन बेसिकली यही प्रॉपर्टी है। तो लास्ट में जैसे एक लाइन होती है कि इकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स हैं वो इवोल्यूशन के साथ इन रिलेशन आए हैं, उनकी वजह से इवोल्यूशन हुआ है, और हर एक स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो रही है, अभी भी इवॉल्व हो रही है, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय इकोलॉजिस्ट। डे बाय डे इकोलॉजिस्ट यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन को आर वैल्यू के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन किया जाए, इसलिए ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। सर, ये ओपेलेजिक फिशेस और ओइस्टर्स क्या होते हैं, आपने क्या बताया? ओइस्टर तो मोती जहां से बनता है, पर्ल जो बनता है मोलस्क होते हैं ना, ओके सर, और ये पेलेजिक और फिश? पेलाजिक, पेलाजिक एरिया है वहां पे जो फिशेस हैं वो पेलाजिक फिशेस कहलाती हैं। पेलाजिक एक्चुअली क्या हुए, ओशियन को जब आप हैबिटेट के हिसाब से डिवाइड करते हो ना तो उसमें पेलाजिक एनिमल्स आते हैं, तो पेलाजिक एनिमल में फिशेस हैं तो पेलाजिक फिशेस कहलाती हैं। याद कर लीजिए बिकॉज हमें ओशियन का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना, उसमें ये पेलाजिक, बंथिक, लेंटिक, लोटिक, ये सब एक्वेटिक रिलेशन, एक्वेटिक इकोसिस्टम से कंसर्न्ड वर्ड है, पेलाजिक वर्ड यूज कब होगा। ये पॉपुलेशन के बारे में हो गया कि पॉपुलेशन की स्टडी कैसे बेसिकली करते हैं। अब जब आप डिफरेंट स्पीशीज को पढ़ोगे, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन आपस में रिलेट करती हैं, हमने लिखा था कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब था पॉपुलेशन ऑफ मिक्स स्पीशीज या पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को कम्युनिटी बोलते हैं। अब अगर एक जगह पे दो स्पीशीज या दो से ज्यादा हैं तो आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन भी करेंगी। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, बड़ा है हालांकि, ये इसे बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। और ये जो भी इंटरेक्शंस आप पढ़ रहे हैं ये दो स्पीशीज के बीच में है, मतलब दो स्पीशीज की दो पॉपुलेशन है, एक ही स्पीशीज की दो पॉपुलेशन नहीं है, दो स्पीशीज की पॉपुलेशन है तो क्या कहलाएंगे, ये इंटर स्पेसिफिक, मतलब इन बिटवीन टू स्पीशीज, ये दो स्पीशीज के बीच में है तो इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, किस चीज के लिए होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे वो आपने पढ़ा था, फूड शेल्टर मेटिंग है ना, ये किस सीक्वेंस में आएंगे, फूड के लिए होगा, शेल्टर के लिए होगा, एंड मेटिंग के लिए होगा। कोई भी पॉपुलेशन अगर आपस में इंटरेक्ट करती है तो तीन चीजों के लिए करेंगी, फूड, शेल्टर और मेटिंग के लिए, इसी सीक्वेंस में। यहाँ पे कुछ बेनिफिशियल हैं और कुछ हार्मफुल हैं, जब भी दो स्पीशीज रिएक्ट करती हैं तो या तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगी या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगी है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंटरेक्शन है वो दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन जिन्हें आप बेनिफिशियल बोलोगे, या नेगेटिव इंटरेक्शन हो सकते हैं ना। इसमें आप पढ़ेंगे तो
देर आर फ्यू जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जहां पे दो या एक बेनिफिट होगी बट हार्म किसी को नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। वन और बोथ आर बेनिफिटेड, नो वन इज हार्म्ड, नुकसान किसी को नहीं है, फायदा एक को हो या दोनों को हो वो डिपेंड करता है, बट नुकसान किसी को नहीं होगा, वो पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाएंगे। जैसे इसमें एक सबसे पहले आप पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म, इसको सिम्बायोसिस भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म को शो किया जाता है प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब है बेनिफिशियल टू बोथ, दोनों को फायदा होगा, है ना। जैसे ये साइन सिंबल्स यूज किए जाते हैं तो इसका मतलब है जो दो स्पीशीज आपस में रिलेट कर रही हैं दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है, बेनिफिशियल टू बोथ। ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये ए बी है, पहला वाला साइन ए के लिए है, दूसरा साइन बी के लिए, तो दोनों के लिए फायदा है। और किस मैनर में है? ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी है, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, मजबूरी है। ए और बी एक साथ रहेंगे, ए और बी अलग अलग नहीं हो सकते, जब एक साथ रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचेंगे, तो ऐसा एसोसिएशन क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस कहलाता है। दूसरा क्या है? प्रोटो कोऑपरेशन, ये भी प्लस प्लस है, प्रोटो कोऑपरेशन, अगेन बेनिफिशियल टू बोथ, दोनों को फायदा है। ए एंड बी, बट ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो नुकसान तब भी किसी को नहीं होगा। एक ऑब्लिगेटरी है और एक नॉन ऑब्लिगेटरी है, म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन। कई बार तो केवल जो मैं लिख रहा हूँ यही पूछा जाता है, अभी तो एग्जाम्पल्स आएंगे, बट यूजुअली यही पूछ लेते हैं कि ये सिंबल किस चीज को शो करते हैं, किस टाइप के इंटरेक्शन को शो करते हैं, तो आपको इतना याद करके ही काम चल जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा सर, मतलब कहलाता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? या एनसीआरटी में तो है नहीं है प्रोटो कॉर्पोरेशन? प्रोटो कोऑपरेशन, एनसीआरटी में नहीं है, आप एक दो लाइन बस पढ़ोगे, और क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप के इंटरेक्शन 7 है, उसमें से 6 के बारे में एनसीआरटी ने थोड़ा बहुत दे रखा है, एक नहीं दे रखा, तो प्रोटो कोऑपरेशन भी आपको पढ़ना है। फायदा दोनों को होगा, बस केवल दोनों को अलग अलग कर दोगे तो नुकसान नहीं होगा, यहाँ दोनों को अलग अलग कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा, ये ऑब्लिगेटरी है, दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों का साथ होना कंपलसरी है, यहाँ साथ होना कंपलसरी नहीं है। कमेंसलिज्म तीसरा है, कमेंसलिज्म, ये प्लस जीरो, एक को फायदा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फायदा ना नुकसान, वो जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया, है ना। सो दिस इज बेनिफिशियल टू ए, पहला वाला हमने ए कंसिडर किया है तो बेनिफिशियल टू ए, एक को फायदा है तो वो ए है। अब जिसको फायदा है, जो ए है वो क्या कहलाएगा? वो कमेंसल कहलाता है, कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंसल। बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बी इज होस्ट, जो अनअफेक्टेड है, उसे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, बी जीरो है, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये तीनों पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं। टर्न कर दूं शीट, सर थोड़ा सा रुक जाइए, अभी बहुत पीछे हूँ। देखो इसके बाद नेगेटिव आएंगे, सर
थोड़ा सा ऊपर कर दो। सर मतलब जिसे कोई फायदा ना घाटा हो उसे कॉमन सिलेजम कहेंगे। कमेंसलिज्म तो इंटरेक्शन है, वो तो दोनों को कॉमन मिला सिलेजम दी गई जिसको फायदा है वो कमेंसल कहलाएगा, दूसरा वाला होस्ट कहलाएगा। फायदा केवल कमेंसल को हो रहा है, होस्ट को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। जैसे मेरे से आप अगर पढ़ रहे हो तो मुझे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, आप पढ़ो ना पढ़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप पढ़ रहे हो तो मेरे से पढ़ रहे हो तो बस केवल आपको फायदा हो रहा है। तो यू आर कमेंसल, आई एम द होस्ट, एसोसिएशन इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, सजेस्टेड एज +0। एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। अगर दोनों को फायदा हो रहा होता, जैसे आप कोई दो लोग हो, दो फ्रेंड हैं और दोनों एक दूसरे के पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, और ये भी फिक्स है कि अगर दोनों को अलग कर देंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑब्लिगेशन हो गया कि पढ़ाई तभी होगी जब दूसरा पढ़ेगा, या दूसरा तब पढ़ेगा जब पहला प्रेजेंट होगा। तो ऑब्लिगेशन हो गया, दोनों अलग अलग कर दोगे तो दोनों बेकार हो गए, दोनों एक साथ काम करोगे तो ही कोई रिजल्ट आएगा, तो म्यूचुअलिज्म। अगर दो साथ में पढ़ रहे हो, फायदा हो रहा है, दोनों को अलग कर दो तो नुकसान तब भी नहीं हो रहा, प्रोटो कोऑपरेशन हो गया। पढ़ रहे थे, फायदा हो रहा है, एक साथ दोनों अलग कर दिया तो नुकसान किसी को नहीं हुआ, हालांकि फायदा भी किसी को नहीं हो रहा, तो प्रोटो नॉन ऑब्लिगेटरी है ना, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ हों तो ही फायदा होगा, अलग अलग रह के भी अपना अपना काम कर लेंगे। लेकिन यहां से अगर अलग अलग कर दिया तो दोनों का कोई काम नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये तीन इंटरेक्शन है, इसमें कहीं भी कोई नेगेटिव नहीं है, इसीलिए ये हार्मफुल नहीं है, कोई भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये बेनिफिशियल इंटरेक्शन या पॉजिटिव इंटरेक्शन कहलाते हैं। दूसरे देखिए क्या है, नेगेटिव इंटरेक्शंस कौन कौन, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, अभी हम एक साथ पढ़ लेंगे, पहले आप इंटरेक्शन समझ लीजिए फिर इनके एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। सेकेंड वन आर नेगेटिव हार्मफुल इंटरेक्शन है, अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें अलग अलग है, ABC हो गया, D हम सीरीज में लिख रहे हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पे क्या आएगा, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन इज नेगेटिव, नेगेटिव दोनों को नुकसान होगा, हार्मफुल फॉर बोथ। A and B, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी, दोनों को नुकसान होगा। अगर आप किसी से कंपटीशन करते हैं तो नुकसान दोनों को होगा इन टर्म्स ऑफ नेचर, बिकॉज जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, वो पूरी जिंदगी जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाएगी वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट ही करते रहेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर कोई पढ़ाई में कॉम्पिटिट कॉम्पिटिट कर रहा है तो ज्यादा पढ़ना भी पागलपन है, तो सेम सिचुएशन इज देयर, पूरी लाइफ आप केवल कॉम्पिटिट ही करते रह जाओगे और कुछ नहीं करोगे। पहले आप अपने क्लास में टॉप करने के लिए कॉम्पिटिट किए, या CR बनने के लिए कॉम्पिटिट किए, फिर स्कूल को टॉप कर लिया, फिर नीट को टॉप कर लिया, फिर PG में टॉप कर लिया, फिर आप डॉक्टर भी टॉप क्लास बन गए, फिर आप फेलोशिप के लिए अब्रॉड चले गए, पूरी जिंदगी टॉप करने के अलावा किया क्या आपने, कुछ नहीं। तो दैट इज कॉल्ड निगेटिव इंटरेक्शन, क्योंकि सेटिस्फेक्शन भी एक चीज है, या ऑर्गेनिज्म के हिसाब से एक लेवल ऐसा भी आता है जहां पे उसे उसके आगे जाके ग्रो नहीं करना होता, उसके आगे जाके उसे इवॉल्व नहीं करना होता, उसे वहां पे स्टेबल स्टेबल होना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, हमेशा अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इवोल्यूशनरी करेक्टर नहीं माना जाएगा। सो कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो नेगेटिव, कॉम्पिटिशन में हमेशा एक दूसरे को नुकसान ही होता है, तो कॉम्पिटिशन दोनों के लिए नुकसान है, इसलिए ये नेगेटिव नेगेटिव आएगा। ABCDE। नेक्स्ट आएगा प्रेडेशन, एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव तो बेनिफिशियल फॉर ए, जिसको फायदा हो रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रिडेटर, हार्मफुल फॉर बी, और बी क्या बन जाएगा, प्रे।
तो प्रे प्रेडेशन में हमेशा यही होता है कि प्रेडेटर को फायदा होता है, लायन और डियर हैं तो डियर इज अ प्रे, लायन इज अ प्रेडेटर, फायदा हमेशा लायन का होगा, डियर का तो नुकसान ही होना, सो दैट इज कॉल्ड प्रेडेशन। नेक्स्ट पैरासिटिज्म, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव निगेटिव, एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है, बेनिफिशियल फॉर ए, फिर ए क्या कहलाएगा, पैरासाइट, हार्मफुल फॉर बी, ये क्या बन जाएगा, होस्ट, जैसे मलेरिया का पैरासाइट हमारी बॉडी पे होस्ट है तो फायदा केवल प्लाज्मोडियम का हो रहा है, ह्यूमन का तो नुकसान ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन मर नहीं सकता, बिकॉज ह्यूमन मर जाएगा तो मलेरियल पैरासाइट अपने आप मर जाएगा। प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में यही डिफरेंस है, यहाँ पे प्रे की डेथ होगी तो प्रेडेटर को फायदा होगा, यहाँ होस्ट की डेथ हो गई तो इसकी डेथ तो अपने आप हो जाएगी, यहाँ होस्ट की डेथ नहीं हो सकती बट यहाँ प्रे की डेथ होगी तो ही प्रेडेटर को फायदा होगा, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, हालांकि दोनों को प्लस माइनस से ही आप शो करते हैं। एंड लास्ट ABCDEFG, एमेंसलिज्म, जैसे वो कमेंसलिज्म था ये एमेंसलिज्म है, नेगेटिव जीरो, एक को नुकसान है दूसरे को फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है, है ना, सो दिस इज हार्मफुल फॉर ए, फिर ए को आप एमेंसल बोलोगे, एमेंसल, एंड बी दैट इज होस्ट इज अनएफेक्टेड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, एमेंसल है, कमेंसल और एमेंसल यूज करें। सो ये सेवन इंटरेक्शंस हैं, इनके पास एग्जांपल या इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं बस आपको वन बाय वन करके वो पढ़ना है, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये क्या है और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको फायदा किसको नुकसान, कौन अनअफेक्टेड, ये सारा कुछ लिख दिया गया है, अब आपको सिर्फ सर पढ़ने, बोलो। सर ये कंपटीशन और अमेंसलिज्म से नेचर को कुछ फायदा होता है क्या? नेचर में तो सिर्फ बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि सर अगर नेचर को कोई बेनिफिट नहीं होगा और दोनों स्पीसीज को भी कोई बेनिफिट नहीं, फिर ये नेचर ने रखा ही क्यों कंपटीशन और अमेंसलिज्म? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है कि उसे इवॉल्व होना है, इवोल्यूशन इज ए क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग। 11th में जब आपने कभी लिविंग बीइंग पढ़ा हो तो उसमें क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था कॉन्शियसनेस, और एक ऑप्शन दिया था कॉन्शियसनेस एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो कॉन्शियसनेस तो आप पढ़ते ही हो, चार में से एक प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने लिखा है, बट एक ऑप्शन एम्स में और दिया गया जिसमें था कॉन्शियसनेस विद प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, सो द बेटर आंसर इज कॉन्शियसनेस विद प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, हर एक ऑर्गेनिज्म प्रोग्रेसिवली टाइम के हिसाब से इवॉल्व होना चाहता है, अब अगर इवॉल्व होना चाहता है, मान लीजिए मेरा अपना राइट है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी को मारना पड़े, किसी के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना पड़े, तो मैं बढ़ूंगा ना, क्योंकि वो मेरी अपनी राइट है, मुझे अगर इवॉल्व होना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, तो किसी को तो डिमिनिश करके मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा ना, जरूरी नहीं है कि डिमिनिश किया जाए, बट जरूरी भी हो सकता है, जरूरी नहीं भी हो सकता है, कोई साइड वे भी हो सकता है, सो दैट्स वाई ये अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन है, अगर ये इंटरेक्शन नहीं डेवलप होंगे तो फिर आप इकोसिस्टम कैसे बनाओगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो फिर कंट्रोल कैसे करोगे चीजों को, ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को या पॉपुलेशन या नेचर या इकोसिस्टम कैसे मैनेज करेगा, इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेन वैल्यू होती है बॉडी, इकोसिस्टम को कोई रेगुलेट नहीं करता, वो अपने आप रेगुलेट करता है, पॉन्ड में किसी को नहीं पता कि फिशेस की डेथ कब होगी, डिकम्पोजिशन कौन करेगा, पानी सड़ जाएगा फिर पानी वही यूज भी हो जाएगा, सब कुछ अपने आप चलता रहता है, पॉन्ड इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होना होता है कि चलो मछली मर गई निकाल के बाहर फेंक दो, वरना मछली सड़ेगी तो बैक्टीरिया फंगी आ जाएंगे, फिर इसी पॉन्ड के पानी को जब आप पियोगे तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, कहीं नहीं होता, पुराने जमाने में पॉन्ड का ही वाटर जो है वो पीने में यूज करते थे, समरसेबल थोड़ा होते थे 50-100 साल पहले,
गांव में तो शायद आज भी कहीं पॉन्ड का यूज होता हो, तो इट मींस कि पॉन्ड में ऑर्गेनिज्म है, बट फिर भी वो एक बैलेंस है, उसके अंदर पानी अपने आप साफ हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेचर ने खुद इंतजाम कर रखा है। अब अगर इंतजाम कर रखा है तो कैसे कर रखा है, क्योंकि एक दूसरे को मार के एक दूसरे को खत्म करके ही पॉपुलेशन एक दूसरे की कंट्रोल की जा सकती है, इन्हीं में ये इंटरेक्शन डेवलप हो जाते हैं, इन्हीं में से कुछ इंटरेक्शन आपको पढ़ने। तो कॉम्पिटिशन भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन अभी आप पढ़ोगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बाकी सब में तो एग्जाम्पल ही है, कॉम्पिटिशन के अंदर आपको बहुत सारे टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस भी पढ़नी है। मैं आपको शॉर्ट में लिख के समझाऊंगा, बाकी आपको ये थ्योरी से पढ़ लीजिएगा, आपके जो भी नोट्स होंगे मैंने ही नोट्स लिखे हुए हैं वो, तो आपको कोई डिफर नहीं करेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसमें टेंशन नहीं। जैसे सबसे पहले जो इजी इजी है वो हम सीरीज में ही पढ़ेंगे, वैसे भी सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। क्या है सब आप जानते ही हैं, बस आपको कुछ एग्जाम्पल याद करने। अब इनमें से कौन से एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, ये सब अलग अलग है। मेरे हिसाब से तो मैंने अगर पढ़ाया होता तो शुरू में सब पढ़ा दिया होता, अब आप सिर्फ याद करोगे। जैसे देखो एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है, बताओ फटाफट। लाइकन लाइकेन, लाइकेन लाइकेन ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा है, इसमें एल्गी और फंगी है। आपको अगर सेंटेंस बनाने हो तो आप केल्विन के मॉड्यूल को देख लीजिएगा। फंगी का हायर प्लांट की रूट्स के साथ क्या एसोसिएशन होता है, माइकोराइजा माइकोराइजा माइकोराइजा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल बताओ, ब्लू ग्रीन एल्गी बिटवीन, बीडब्ल्यू बिटवीन के लिए ले, बिटवीन बीजीए एंड हायर प्लांट्स है, बताओ बीजीए में क्या पढ़ा था आपने, नॉस्टॉक है ना बिना, पता नहीं मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं है, नॉस्टॉक ना बिना कहाँ होते हैं, ये एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐसे ही एनाबेना की स्पीशीज है एजोली। बोलो, एक्सक्यूज मी सर, वीडियो बहुत ब्लर है, कट ओके अभी देख रहा हूँ, हो ये सर ब्लर है अभी देख रहा हूँ बेटा, सर मेरे साइड से बिल्कुल क्लियर है। मैं अपने साइड से देख लेता हूँ, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। सर नहीं ब्लर है, ये लीजिए, अगर मैं बीजीए पढ़ाता तो ये तीन एग्जाम्पल्स आते, एक ब्रायोफाइट है, एक टेरिडोफाइट है, एक जिम्नोस्पर्म है प्लांट किंगडम में, और बीजीए कौन से हैं, नॉस्टक है ना बिना। मुझे यहाँ से तो इमेज सही दिख रही है और नेट कनेक्शन भी गुड दिख रहा है, सर अब ठीक सर है, अब सर वीडियो ठीक वो हो सकता है मेरे लिखने पे थोड़ा सा टेबल हिलेगा ना, तो इसलिए वो रीड करने में ब्लर्ड हो जाता हो। सो बीजीए का अगर हायर प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखोगे तो ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे, नॉस्टॉक एनाबिना का एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, उसके साथ एनाबिना की स्पीशीज है एनाबिना एजोली, ये एजोला की लीफ में होती है, एजोला इज ए टेरिडोफाइट फर्न, ऐसे नॉस्टॉक और एनाबिना की स्पीशीज है साइकेडी, ये साइकस के कोरोलाइड रूट में एसोसिएशन है, साइकस इज ए जिम्नोस्पर्म, तो बीजीए का हायर प्लांट के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये एग्जाम्पल काउंट कर सकते हो आप। बैक्टीरिया का भी हायर प्लांट के साथ है, ये तो बता सकते हो, किसी बैक्टीरिया राइजोपस सेम, राइजोपस नहीं राइजोबियम। राइजोबियम यहाँ एग्जाम्पल क्या आएगा, बैक्टीरिया इज राइजोबियम, और हायर प्लांट में क्या है, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये तो मिनरल न्यूट्रिशन में आपके दिया ही हुआ है, नोड्यूल फॉर्मेशन और ऑल प्लांट फिजियोलॉजी में, तो बैक्टीरिया का हायर प्लांट्स के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ओके इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और कहाँ कहाँ मिल सकता है, एनिमल एनिमल का तो नहीं कह सकते, प्लांट और एनिमल का भी एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा,
प्लांट एनिमल में पॉलिनेटर, जो पॉलिनेशन में आपको पढ़ाई गई हो, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म होती है, उसमें कौन कौन से हैं, उसमें आप अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे फाइकस, फाइकस फिग को, अंजीर है ना, फाइकस का फीमेल वेस्ट के साथ है इसी तरीके से। दूसरा अगर आप देखोगे तो ओफायरस, ओफायरस एक ऑर्किड है, इसका मेल कॉल्पा, इंसेक्ट है ये सारे, इसके साथ है। और तीसरा अगर आप पढ़ोगे तो यक्का, यक्का एक प्लांट है लिलियसी फैमिली का, इसका प्रोनोबा मॉथ है, ये इंसेक्ट इसके साथ है। इन प्लांट में जो पॉलिनेटर है, इंसेक्ट पॉलिनेटर, आपने पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा, वहां पे एंटेमोफिली है, इंसेक्ट पॉलिनेशन सर ने पढ़ाया होगा। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के अंदर ये जो एग्जाम्पल है, ये इन प्लांट के फिक्स हैं, अगर ये इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो इन प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल का कुछ पोर्शन इन प्लांट के अंदर ही कंप्लीट होता है, तो इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल इन प्लांट के बिना नहीं होगी, और प्लांट की लाइफ साइकिल में जो पॉलिनेशन है वो इन इंसेक्ट्स के बिना नहीं होगा। तो ये भी प्लांट पॉलिनेटर के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे और म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। इसके अलावा भी नोट्स में आपको दो तीन एग्जाम्पल ज्यादा ही मिलेंगे, कम से कम इतने एग्जाम्पल तो आप याद कर सकते हैं। दो पैराग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे इनको लेके, ये समझाए गए हैं फिगर से कि फीमेल वेस्ट का एसोसिएशन, फीमेल वेस्ट, वेस्ट का जीनस क्या होता है, ब्लास्टोफेगा, वेस्ट इज ए इंसेक्ट, आंटमैन एंड द वेस्ट, सो वेस्ट इज ए इंसेक्ट। सो इंसेक्ट्स में जो फीमेल वेस्ट है वो क्या करती है, वो एग लेइंग करने के लिए, एग लेइंग को टर्म में ओवी पोजीशन कहते हैं, ये एग को ले करने के लिए उसे एक सेफ साइट चाहिए। और जो फिग अंजीर का जो पेड़ होता है या कोई और फाइकस की स्पीशीज होगी, तो उसका जो इनफ्लोरिसेंस होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है, तो फीमेल वेस्ट को एग लेइंग करने के लिए जो फिग या फाइकस का इनफ्लोरिसेंस है वो जगह मिल जाती है, वहां जाके वो एग लेइंग करती है, वापस निकल के आ जाती है। अब जब एग से लार्वा बनेंगे तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो फिग के अंदर जो छोटे छोटे सीड्स डेवलप हो रहे होते हैं उन पे वो लार्वा फीड कर लेगा और अपना डेवलपमेंट पूरा कर लेगा। तो फीमेल वेस्ट का फायदा हो गया, एक तो एग लेइंग करने के लिए सेफ साइट मिल गई और लार्वा को न्यूट्रिशन भी मिल गया। प्लांट का फायदा कैसे होगा, जब ये लार्वा एडल्ट में बन के इस इन्फ्लोरिसन से बाहर जाएंगे तो मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अपने पॉलन इन इंसेक्ट्स के ऊपर स्टिक करा देते हैं, और फिर जब ये एडल्ट किसी और प्लांट को विजिट करेंगे तो वहां जाके वो उसको पॉलिनेशन में पूरा कर देंगे, वहां जाके वो स्टिग्मा पे लैंड कर देंगे। तो दोनों का फायदा हो गया, प्लांट के हिसाब से पॉलिनेशन हो गया और वेस्ट के हिसाब से ओवी पोजीशन और लार्वल डेवलपमेंट पूरा हो गया विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन। ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, आप चाहे तो नोट से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। ऐसे इसका भी दे रखा है ओफायरस और मेल कॉल्पा का, बस आपको रीड करना है यहाँ पे हमेशा। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं कि ये वाला एग्जाम्पल इस एसोसिएशन का है, ये याद रखना है आपको। अब सेकंड देखते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और क्या क्या है। म्यूचुअलिज्म के बाद सेकंड वन इज प्रोटो कोऑपरेशन, बी। प्रोटो कोऑपरेशन में फायदा दोनों को होगा बट नॉन ऑब्लिगेटरी है, एक दूसरे के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों साथ में रहे तो फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल आपको मिलेगा एक बर्ड है ऑक्स पैकर, ऑक्स पैकर जानते हैं, आई थिंक कट फोड़वा कहते हैं, जो लकड़ी पे चोंच मार मार के इसको तोड़ता है, दो तरीके का होता है ये, येलो बिल्ड, एक येलो कलर की चोंच वाला है, और एक रेड बिल्ड है, दो तरीके के ऑक्स पैकर होते हैं। ऑक्स पैकर टिक बर्ड्स हैं, टिक्स पे फीड करती हैं, टिक्स एक्टोपैरासाइट होते हैं, जैसे जुए होते हैं और खटमल होते हैं, बक्स होते हैं, वैसे टिक्स भी होते हैं,
तो टिक्स पे फीड करती हैं, तो इन्हें टिक बर्ड्स बोलते हैं। इनका जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है, वो राइनो के साथ है, राइनोसेरोस। बस इतना तो याद रखना है, बाकी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा है क्या चीज। राइनोसेरोस की बॉडी बहुत हैवी है, और बिकॉज ऑफ इट्स हैवी बायोमास वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक्टिव एनिमल नहीं है, बहुत लेजी टाइप का एनिमल है। इवन उसे ये भी नहीं पता होता कि जिधर वो चल के जा रहा है उधर अगर दीवार आ गई तो मैं मुड़ भी पाऊंगा या नहीं मुड़ पाऊंगा, ना तो वो उल्टा चल सकता है और ना अपनी बॉडी को बहुत जल्दी वो मोड़ सकता है। दौड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है राइनो के, बिकॉज बॉडी साइज बहुत ज्यादा है। अब है क्या, राइनो की स्किन के अंदर जो टिक्स होते हैं वो ब्लड सक करते रहते हैं। टिक्स आर एक्टोपैरासाइट, जैसे खटमल होते हैं, जुए होते हैं, वैसे टिक्स भी होते हैं। तो टिक्स राइनो की बॉडी से ब्लड सक करते रहते हैं। राइनो को पेन भी होता है, लेकिन राइनो कुछ कर तो सकता नहीं, ना तो खुजला सकता है ना उनको हटा सकता है। नेचर ने क्या किया है, बर्ड दे दी उन्हें, टिक बर्ड्स। टिक बर्ड क्या करती हैं, उन्हें पता है कि राइनो की स्किन के ऊपर ये टिक्स प्रेजेंट है जिन्हें फीड करके बर्ड का काम चल जाएगा, तो वो आती हैं और राइनो की बॉडी के ऊपर आके बैठ जाती हैं और टिक्स पे फीड करती रहती हैं। टिक्स पे फीड करती रहेंगी तो राइनो का फायदा हो रहा है कि उसके ब्लड सकिंग एनिमल्स उसकी बॉडी से हट रहे हैं, उसे थोड़ा दर्द कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज क्या है, बर्ड का तो बेनिफिट हो गया कि उसे एक लोकलाइज फूड मिल गया, एक ही जगह पे तो फूड मिल रहा है। राइनो की बॉडी जहां राइनो है वहां बर्ड को खाने पीने के लिए मिल जाएगा। राइनो का फायदा क्या है कि एक तो वो टिक से रिमूव हो रहा है, दूसरा ये कि जब कभी भी कोई डेंजर होता है तो बर्ड पहले उड़ जाती है, बर्ड के उड़ने से राइनो समझ जाता है कि आगे कोई खतरा है, मुझे यहाँ से अपनी बॉडी को मोड़ के पीछे ले जाना है, तो वो बजाय इसके कि थोड़ी दूर जाए वो वहीं से अपनी बॉडी को टर्न कर लेता है। तो दोनों को फायदा है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो जाएं तो ऐसा भी नहीं है कि टिक बर्ड को राइनो की बॉडी के टिक्स के अलावा कहीं और टिक्स मिलेगा ही नहीं, और ये भी नहीं है कि राइनो की बॉडी का सारा जो ब्लड है वो ये टिक्स यूज कर लेंगे, राइनो की डेथ हो जाएगी, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं। राइनो आराम से सर्वाइव कर लेगा टिक्स के साथ भी, और बर्ड को भी खाने पीने के लिए कुछ और मिल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों आमने सामने या पास पास हैं तो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा देते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन कि हम एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, बट इन नॉन ऑब्लिगेटरी वे, यहाँ पे ऑब्लिगेशन कंपल्सरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, एक छोटी सी बर्ड है, इसे प्लोवर बर्ड कहते हैं, और एनिमल क्रोकोडाइल है। तो प्लोवर बर्ड का क्रोकोडाइल के साथ एसोसिएशन ऐसे ही है। क्रोकोडाइल का जॉ होगा, जॉ में टीथ आएंगे, बकल कैविटी आएगी, और जो हमारा चिक है उसकी बकल कैविटी की इंटरनल लाइनिंग आएगी। तो क्रोकोडाइल्स के जो टीथ होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, पानी में रहता है, पानी में लीचेस भी होती हैं, एक्टोपैरासाइट। तो लीचेस क्या करती हैं, वो बकल लाइनिंग पे जाके अटैच हो जाती हैं और क्रोकोडाइल का ब्लड सक करती रहती हैं। अब क्रोकोडाइल कुछ कर तो सकता नहीं, लीच वैसे भी स्लाइमी होती है, अपना मुंह बंद करता है तो लीच दांतों के बीच में से आराम से बच के निकल जाती है, और वो छुटा तो सकता नहीं कि अपने मुंह के अंदर उंगली डाल के हटा ले, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लीचेस क्रोकोडाइल से ब्लड सक करती रहती हैं उनकी बकल लाइनिंग से अटैच होके। अब जब क्रोकोडाइल के लिए अनबियरेबल हो जाता है, जब उसे लगता है कि यार लीचेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब क्या करूं मैं, तो वो पानी से बाहर आएगा और मुंह खोल के रिवर के किनारे बैठ जाएगा। आपने कभी नोटिस भी किया हो, क्रोकोडाइल मुंह खोल के बैठे रहते हैं। होता क्या है, जब वो मुंह खोल के बैठे रहेंगे तो ये छोटी सी बर्ड होती है प्लोवर बर्ड, ये आती है क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जाती है और लीचेस पे फीड कर लेती है। तो प्लोवर बर्ड को लोकलाइज फूड मिल गया, जहां क्रोकोडाइल का माउथ खोला है वहां पे खाने को मिल ही जाएगा, और क्रोकोडाइल का बेनिफिट हो गया कि उसकी बॉडी से लीच हट गए। ड्यूरिंग दैट टाइम क्रोकोडाइल मुंह भी नहीं बंद करता, मुंह बंद करना तो दूर है, वो हिलता भी नहीं, क्योंकि दोनों उन पता है दोनों को कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए ये एसोसिएशन भी प्रोटो कोऑपरेशन के एग्जाम्पल में। एक तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है, सबसे ज्यादा ये थर्ड एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, सी एनीमोन। बोलो किसी को कुछ पूछना है। सर क्रोकोडाइल को पता है कि वो फायदा, वरना क्रोकोडाइल बर्ड को ही नहीं खा जाएगा। यही तो बात है, अगर मुझे पता है कि मुझे तुमसे फायदा मिल रहा है तो मैं दुनिया को नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम्हें थोड़ा नुकसान पहुंचा दूंगा। अगर तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दूंगा तो कैसे हो जाएगा। इतनी वही तो कहते हैं, इतनी समझ तो नेचर ने, भगवान ने हर चीज को दी है कि उसे किस चीज से फायदा मिल रहा है। थोड़ा नुकसान करके भी अगर फायदा मिल रहा है तो वो एक्चुअली फायदा ही कंसिडर हुआ ना।
उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसके लिए क्रोकोडाइल के लिए कम खाने पीने की चीजें दे रखी हैं पानी में कि वो छोटी सी प्लोवर वर्ल्ड को खाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं खाने को उसे। उसे पता है कि प्लोवर वर्ल्ड उसकी हेल्प कर रही है, कि वो लीचेस से छुटकारा देने में यूज हो रही है। तीसरा क्या है? सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब। क्रैब आप जानते ही हैं, क्रस्टेशियंस, केकड़ा बड़ा वाला, जिसकी पीठ बैक जो एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। और सी एनीमोन आपने पढ़ा होगा सीलेंट्रेट्स में, सी एनिमल सिडेंट्री एनिमल होते हैं। अगर सिडेंट्री एनिमल है, फिक्स एनिमल है, तो खाने पीने के लिए कहीं जा तो सकते नहीं बेचारे। जो खाना आ गया माउथ के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू, वो खा लिया, नहीं तो खड़े, क्योंकि वो लोकोमोट नहीं कर सकते। और हर्मिट क्रैब क्या है? बेचारा बड़ा शांत सा होता है पानी के साथ। कभी आपको कोस्टल एरिया में जो बैंक्स होते हैं कि भाई बीचेस वगैरह पे आपको क्रैब्स दिख जाएंगे, बस उसी से अपना छोटा मोटा कीड़े वीड़े खा के अपना काम कर लेते हैं। दोनों को पास पास लाने का रीजन क्या है? हर्मिट क्रैब को अपने प्रेडेटर से बचना होगा। बहुत सारे केस में तो क्रैब्स को भी इंसान यूज करते ही हैं डिशेस में, बट क्रैब्स के प्रेडेटर बहुत ज्यादा हैं ओशियन इकोसिस्टम में, कोस्टल एरियाज से। तो वो क्या करता है, अपनी बैक के ऊपर सी एनीमोन को अटैच कर लेता है। सी एनीमोन तो किसी भी सब्सट्रेट पे अटैच हो जाएगी, वो हर्मिट क्रैब की बैक पे अटैच हो जाएगी एक्सोस्केलेटन के साथ। अब जहां जहां हर्मिट क्रैब जाएगा, वहां वहां सी एनीमोन चली जाएगी, तो सी एनिमोन को बेटर फूड मिल जाएगा, क्योंकि हर्मिट क्रैब मूव करेगा तो सी एनिमोन भी मूव कर रही है। उसे खाने पीने के लिए मूव करना था, खुद नहीं कर सकती तो हर्मिट क्रैब के ऊपर अटैच करके कर लेगी। हर्मिट क्रैब का फायदा क्या है? सी एनिमोन में आपने पढ़ा होगा सीलेंट्रेट्स में स्टिंगिंग सेल्स होती है, नीडोब्लास्ट सेल्स, 11th में कभी पढ़ा हो तो बिकॉज ऑफ दैट कि वो सी एनिमोन के टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, जो क्रैब के प्रेडेटर्स होते हैं वो उस पर अटैक नहीं करते, तो क्रैब भी सेफ हो गया अपने प्रेडेटर से, और सी एनिमोन को फूड भी मिल गया बाय अटैचिंग इटसेल्फ ऑन द बैक ऑफ हर्मिट क्रैब। तो दोनों को एक दूसरे को फायदा पहुंच गया। बस ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो मैंने आपको सुनाया वो सिर्फ आपकी गाथा है, आपको एक्चुअली प्रोटो कॉपरेशन के तीन एग्जाम्पल याद करने। बस थर्ड पे चलते हैं, सी कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म पॉजिटिव जीरो, एक को फायदा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक एग्जाम्पल आता है वुडी क्लाइंबर्स। वुडी मतलब हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि वुड वर्ड सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जाता है। क्लाइंबर जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वुडी क्लाइंबर को लाइनास कहा जाता है। पूछा गया है कि लाइनास क्या है? दीज आर द वुडी क्लाइंबर्स। ये कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। प्लांट है ये एक्चुअली, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये वुडी क्लाइंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट चढ़ जाएगा, तो जिस प्लांट यानी के ऊपर चढ़ा उसे तो कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन जो प्लांट चढ़ा उसको फायदा हो गया ना, क्योंकि फॉरेस्ट के फ्लोर पे तो लाइट आ नहीं रही है, तो एक प्लांट के ऊपर कॉइल करके ऊपर तक पहुंच जाएगा, खुद खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए किसी सहारे के साथ खड़ा हो गया। तो जिसने सहारा दिया उसे तो ना फायदा ना नुकसान, बट जिसने सहारा लिया उसे डेफिनेटली फायदा हो गया। एग्जाम्पल में जैसे टीनो स्पोरा है, सर बोलो। सर जब उसके ऊपर चढ़ा होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी तो उसी से ले रहा होगा फिर, नहीं, न्यूट सब रूटेड है, पूरा पैरासिटिक प्लांट हो ना है ये, थोड़ा ना लेगा मतलब कि रूट पैरासिटिक है कि होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, ये ऑटोट्रॉफिक मतलब प्लांट है। बेल की तरह समझ सकते हैं हम इसे। हाँ, बेल बेल के तरीके से, है ना। टीनोस्पोरा याद रखिए, टीनोस्पोरा इंपॉर्टेंट है। टीनोस्पोरा गिलोय कहते हैं, गिलोय तो जानते हैं ना, आजकल बड़ा पॉपुलर है इम्यूनिटी, कोरोना में सबको गिलोय और आंवला याद आ गया है। टीनोस्पोरा इज गिलोय, और वो एक क्लाइंबर है, एक प्लांट के ऊपर एक दूसरा प्लांट कॉइल कर गया, बस सिर्फ सपोर्ट चाहिए था, बाकी वो प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, उसे कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, ये पैरासिटिक प्लांट नहीं। दूसरा एग्जांपल क्या है? एपीफाइट्स। सर, हाँ अगर एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट चढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं कुछ नहीं, वो तो लीफ से होनी है, लीफ तो दोनों प्लांट की अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सपोर्ट चाहिए। जैसे होता है ना कि अगर हम मान लीजिए कि कोई पाइप भी लगा देते तो उसके ऊपर भी कॉइल कर जाता, बट फॉरेस्ट में पाइप कौन लगाएगा? तो वहां नेचर के जो बड़े बड़े ट्री हैं, अनब्रांच जिनके ट्रंक होते हैं,
उनके ऊपर वो एज ए पाइप या एज ए सपोर्ट क्वाइल कर जाते हैं और आराम से ग्रो करते रहते हैं। आप उन्हें उल्टा घुमा के अलग कर लीजिए, वो उनसे जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर क्वाइल कर गए हैं बस। ऐसे एपीफाइट हैं, ये प्लांट के ऊपर प्लांट है कि एक ब्रांच के ऊपर एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर जाए। कई बार ट्री की ब्रांच के ऊपर ट्री प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो प्लांट के ऊपर प्लांट है तो एपीफाइट कहलाते हैं। ये स्मॉल प्लांट्स हैं जिन्हें फायदा होगा ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। ये अदर प्लांट्स पे ग्रो कर जाते हैं, तो ये स्मॉल प्लांट्स हैं ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बुक में दिया है, ऑर्किड्स होते हैं ग्रोइंग ऑन मैंगो, आम के बाग में आपको मैंगो ट्री की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर जाएंगे लाइक ऑर्किड्स। और ऑर्किड का फ्लावर तो इम्पोर्टेंट होता है, ऑर्किड से वनीला एसेंस निकाला जाता है, वांडा एक ऑर्किड है जिससे यूज होता है। तो ऑर्किड्स अगर मैंगो की ब्रांच पे ग्रो कर जाएं तो प्लांट, मैंगो को तो कोई फायदा नुकसान नहीं है बट ऑर्किड को फायदा हो रहा है, क्योंकि नीचे ग्रो करेगा तो लाइट नहीं आएगी, इसीलिए उसे ऊपर ग्रो करना था, ऊपर ग्रो करना था तो इसलिए वो इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। एपीफाइट्स कहलाते हैं। ऐसे अगर एनिमल के लिए होगा तो एपीजोन कहलाएगा। एपी जोन्स, एपी मतलब अबव, जोआ मींस एनिमल, एनिमल के ऊपर एनिमल या प्लांट के ऊपर एनिमल, इस तरीके से। यहाँ कौन कौन से ये क्या है, दीज आर द एनिमल्स। सर एपीफाइट्स में मतलब समझा नहीं, अगर कोई प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा तो फिर दूसरे को घाटा होगा ना, क्यों घाटा होगा, दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है बताओ। क्योंकि सर अगर ऑर्किड्स मैंगो अगर की ट्री पे हो गए हैं तो फिर सर क्या कहते हैं उससे न्यूट्रिशन तो सीखिए। क्यों न्यूट्रिशन लेगा भाई, न्यूट्रिशन वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट्स उसकी हैं। तो सर इससे फिर पहले वाले में क्यों नहीं रखा? कुछ नहीं, पहले वाले में क्यों, पहले वाले में तो सपोर्ट लेना है, यहाँ सपोर्ट थोड़ा है। ये ट्री है, ये इसकी ब्रांच है। अब इस ब्रांच के ऊपर अगर कोई प्लांट ग्रो कर गया, ये ट्री नहीं है, ये दूसरा प्लांट है, तो इसको तो फायदा हो रहा है कि इसे ऊंचाई पे ग्रो करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये प्लांट अगर यहां ग्रो करता तो यहां तक तो सनलाइट आती ही नहीं है, ग्रो कैसे करेगा। फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के फ्लोर पे सनलाइट जाती नहीं है, तो ये यहां पहुंच गया। रूट्स इसकी एयर में हैंग कर रही हैं, रूट्स एयर से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर लेंगी, लाइट आ ही रही है, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमोसफेयर में होती है, बात खत्म हो गई। इस ट्री को तो कोई नुकसान ही नहीं है, ना कोई फायदा, ये जीरो हो गया, इसको फायदा हो रहा है, ये पॉजिटिव हो गया बस। भाई अगर एक ट्री पे मान लो कोई बर्ड बैठी है, तो उसमें ट्री को क्या नुकसान हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। फायदा तो बर्ड को होगा ना, कि वो ऊंचे पे बैठ जाएगी तो अपने प्रेडेटर से बच जाएगी ना। चिड़िया अगर ऊंचे पे बैठी है तो नहीं मार पाओगे ना, या चिड़िया को खाने वाला, जो बर्ड को खाने वाला एनिमल होगा वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, या ट्री में बैठ जाएगी तो छुप जाएगी, वो दिखाई नहीं देगी प्रेडेटर को, तो अपने आप बच जाएगी। लेकिन इसमें ट्री को कोई फायदा नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सेम ये हम प्लांट के लिए, प्लांट की बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखा ही, अभी मैं लिखने वाला हूँ। ये एनिमल्स हैं ग्रोइंग ऑन प्लांट और एनिमल, एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन अदर एनिमल और प्लांट, या अदर प्लांट्स और एनिमल्स। किसी दूसरे एनिमल या प्लांट पे कोई एनिमल अगर डिपेंडेंट है तो एपीजोन, और प्लांट के ऊपर प्लांट डिपेंडेंट है तो एपीफाइट। ये आएंगे इसमें। यहाँ पे एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है वो किसका दिया है, क्लोन फिश, एक छोटी सी फिश है। ये कहाँ रहती है, ये रहती है टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल, सी एनिमल अभी आपको बताया था, तो सी एनिमल के टेंटिकल्स के बीच में छोटी सी फिश रहती है, वो कभी टेंटिकल से बाहर जाती ही नहीं। अब सी एनिमल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्लोन फिश का प्रेडेटर होगा उससे ये बच जाती है, क्योंकि उसका जो प्रेडेटर होगा उसे तो ये लगेगा ना कि अगर गलती से भी टेंटिकल टच हो गया तो टेंटिकल्स की जो नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, जो उनमें पॉइजन है, वो सीधे प्रेडेटर की बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि ये तो टच के हिसाब से होती है ना, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट टच होता है नीडोब्लास्ट सेल से, उनका जो पॉइजन है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। तो क्लोन फिश बच रही है ना अपने प्रेडेटर से, सिर्फ इसलिए कि वो सी एनीमोन के बीच में रहेगी।
तो जहां जहां सी एनिमल तो वैसे भी सीडेंट्री है, तो बस उसके बीच में फिश को रहना है, अपने आप सेफ रहेगी अपने प्रेडेटर से, सिंपल है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का दिया है, पहले हम वो पूरे कर लेते हैं। जो अर्गेट्स होती हैं, ये बर्ड हैं, इनका फायदा देखना है ग्रेजिंग कैटल के साथ, जो ग्रेजर्स होते हैं वो। यहाँ एक्सप्लेनेशन क्या है कि कैटल्स जब घास को तोड़ के खा रहे होते हैं, जब वो ग्रेज कर रहे होते हैं, तो ग्रासेस के अंदर कुछ इंसेक्ट्स होंगे। जैसे ही कैटल अपने दांतों से ग्रास को पकड़ के खींचेगा, वो इंसेक्ट्स उड़ेंगे। जैसे ही इंसेक्ट्स उड़ेंगे, तो क्या करेंगे ये जो बर्ड्स हैं, अर्गेट बर्ड्स, जो कैटल की बॉडी पे बैठ जाती हैं, जो गाय भैंस के ऊपर बैठ जाती हैं, जैसे कोई इंसेक्ट उड़ेगा ये उसे खा लेंगे। तो कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इंसेक्ट उड़े या ना उड़े, उसे तो घास खाने से मतलब है। लेकिन बर्ड को पता है कि जैसे ही ग्रास को थोड़ा बहुत हिलाएगा, कैटल चलेगा या खाएगा या कुछ करेगा, तो उसमें से इंसेक्ट्स उड़ेंगे, और जैसे ही इंसेक्ट्स उड़ेंगे मुझे खाने पीने को मिल जाएगा। तो अर्गेट्स का फायदा हो गया, कैटल्स को ना फायदा ना नुकसान। ये भी हो गया कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। ये और अगर आप लिखोगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। आपकी बुक में 11th में बना हुआ भी है ये, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। एक सकर फिश होती है जो हमेशा शार्क की बॉडी से अटैच होती है, शार्क की बॉडी से हमेशा एक छोटी सी फिश अटैच होती है, उसे सकर फिश कहते हैं। तो शार्क कार्निवोरस है, तो शार्क जो भी कुछ अपना खाना पीना छोड़ती है, जो भी टुकड़े वो छोड़ देती है, उसी पे ये सकर फिश फीड कर लेती है। और सकर फिश को सीधे सीधे फूड मिल गया, जहां शार्क जा रही है वहां सकर फिश जा रही है। फायदा तो केवल सकर फिश को हो रहा है ना, क्योंकि उसने बॉडी से अटैच कर लिया। शार्क को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, अपना काम चल गया, उसे फ्री राइड मिल जाती है सकर फिश को, कि अगर वो शार्क की बॉडी से अपने आप को अटैच कर ले, अपने प्रेडेटर से भी बच जाएगी, और जो बचा कुचा खाना है वो भी सकर फिश को मिल जाएगा, तो उसका पेट भी भर जाएगा। सेम सिचुएशन है ये वाला। इसी तरीके से आप, जैसे आप वो भी पढ़ते हैं जैकल, गीदड़ है ना, ये हमेशा लायंस को फॉलो करते हैं। खुद तो शिकार कर नहीं सकते, तो जो जो लायन खा पी के छोड़ देगा, उस पर जैकल फीड कर जाएगा। तो जैकल को फायदा, लायन को ना फायदा ना नुकसान। इसी तरीके से आर्कटिक्स में आप लॉयन जाओगे, बोलो, ने उल्टा जयकाल को देखे तो उसका घाटा नहीं हो जाएगा? ऐसे नहीं होता ना बेटा, नेचर में हर चीज बैलेंस है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने स्टार्टिंग बोला ना, इन दो चैप्टर के लिए ये और इसके बाद वाला अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इकोसिस्टम। ऐसे आर्कटिक एरिया में सील होती है, लार्ज कार्निवोरस मैमल है, सील जो छोड़ देती है, उस पे आर्कटिक फॉक्सेस आके फीड कर लेती है। अब ये थोड़ा ना कि सील जब अपना शिकार कर रही होगी, तो बीच में आके वो कहेगा कि मुझे भी दे दो। सील जब छोड़ देगी, तो उस पे आके आर्कटिक फॉक्सेस फीड कर लेंगी। ऐसे जैकल का भी है, ऐसा नहीं कि वो लायन से छीनेगा, लायन जब खा पी के पेट भर के छोड़ देगा, तो फिर आके जैकल उस पे फीड कर ले। इस तरीके से ये एसोसिएशन नेचर में बनाए हैं कि इनमें एक को फायदा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको सुना रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो टेक्स्ट मैंने आपको बोला है कि आप एक बार केल्विन के मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा। याद हमें बेसिकली इतना ही करना होता है, किसी को एक्सप्लेन करके नहीं समझाना, खुद समझने के लिए देखना है कि कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। सर अर्गिट्स बाइट करके होते हैं ना? क्या चीज? जो ये अर्गिट्स हैं वाइट कलर के होते हैं ना? व्हाइट भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ग्रास ऊपर के जैसे। अब बात ये है ना कि मैं इन्हें जानता तो हूं, आप इन्हें किस तरीके से जानोगे ये मैं कैसे डिस्क्राइब कर दूं? ज्यादा से ज्यादा होता है कि आप गूगल पे इमेज सर्च करो, इमेज देख के आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये वाला इंसेक्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज। सर मैंने ना उसमें देखा था, क्या कहते हैं, जो जब खेत में जब जुतता है तो उसमें जो पीछे व्हाइट कलर के बहुत बड़े बड़े पंछी चलते हैं। अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकता, क्योंकि सिंपल है कि अगर आपको इमेज में देखना है तो आप गूगल करके देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आएगा ये टॉपिक कंपटीशन ही, बस यही पूरे इंटरेक्शन में समझने वाला टॉपिक है, इसको समझ लीजिए इसमें, क्योंकि इसमें रूल्स आएंगे, कुछ लॉज आएंगे, कुछ कंडीशंस आएंगी, बाकी सब तो एग्जाम्पल ही याद करने हैं आपको। कंपटीशन क्या है? अब दो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, दो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो उनमें से एक जीतेगा एक हारेगा, सिंपल रूल है। जीतेगा कौन? जो ताकतवर होगा या जो दिमाग लगाएगा, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी उसे बोल सकते हैं फिलहाल,
डार्विन के हिसाब से जीतता वो है जिसकी आर वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज बैक टू द सेम, हम स्मॉल आर वैल्यू से ही फिटनेस डिसाइड करते हैं। तो जब डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया, तो उन्होंने यही कहा कि दो कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज के बीच में अगर एक एलिमिनेट होता है, एक विन करता है, तो विन वो करेगा जिसकी आर वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि हम आर वैल्यू से ही पता करते हैं कि कौन कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है और कौन कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है। सुपीरियर हमेशा जीतेगा, इंफीरियर एलिमिनेट हो जाएगा। तो कंपटीशन को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एक प्रोसेस जिसके अंदर एक की आर वैल्यू ज्यादा है, आर आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और दूसरे की आर वैल्यू कम है, फिर उसमें आर जीतेगा और बड़ा वाला जीतेगा, स्मॉल वाला हार जाएगा, लाइक दिस। सो कॉम्पिटिशन क्या है? इट्स ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस, फिटनेस को हम आर से ही लिखेंगे, है ना, द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज। और फिटनेस को आपको कैसे लेना है? आर वैल्यू से। इज सिग्निफिकेंटली लोअर बाई, सिग्निफिकेंटली ऐसे लिख लीजिए, सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अगर एक की प्रेजेंस से किसी दूसरे की आर वैल्यू कम हो जाए, कम में भी सिग्निफिकेंटली कम होना चाहिए, एरर में नहीं जाना चाहिए, एक इनफ फिगर मैथमेटिकली आना चाहिए। तो अगर एक की प्रेजेंस से किसी दूसरे की आर वैल्यू सिग्निफिकेंटली लोअर होती है, तो उस प्रोसेस को हम कॉम्पिटिशन बोलते हैं। क्लियर? ये आता है। अब कंपटीशन कहाँ कहाँ होगा? कंपटीशन एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, मींस बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे ह्यूमन का ह्यूमन के साथ कंपटीशन हो, तो सबसे सीवियर होगा ना, बिकॉज फूड शेल्टर मेटिंग सब कॉमन हो गया ना, और जितनी ज्यादा कॉमन चीजें होंगी उतना ज्यादा कंपटीशन सीवियर होगा। आपका कंपटीशन अगर देखा जाए तो किसी एक नीट एस्पिरेंट का किसी दूसरे नीट एस्पिरेंट से ज्यादा होगा ना, और अगर दोनों एक ही कॉलेज से हुए तो और ज्यादा हो जाएगा। अगर दो अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट है तो कॉम्पिटिशन डायल्यूट हो गया, बिकॉज दोनों का अलग अलग डोमिसाइल होगा, पर दोनों दिल्ली के हैं, दोनों को ही एम्स चाहिए, दोनों को ही फर्स्ट टू 10 रैंक लानी है। जितनी ज्यादा पैरामीटर कॉमन करते जाओगे उतना कॉम्पिटिशन सीवियर होता जाएगा, जितना सीवियर होगा उतना नुकसान करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। तो सेम मेंबर के बीच में होता है, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ये एक्यूट है, एक्यूट का मतलब सीवियर है। अगर दो अलग अलग स्पीशीज हैं तो कम से कम मेटिंग तो अलग अलग हो ही जाएगी ना, दिस इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू स्पीशीज और अगर दो स्पीशीज है तो किसके लिए कंपटीशन होगा? केवल फूड और शेल्टर, क्योंकि मीटिंग तो एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में होती है ना, तो कम से कम कुछ तो डाइल्यूट हुआ कंपटीशन। अगर मान लीजिए किसी इंजीनियरिंग वाले का मेडिकल वाले से कंपटीशन करोगे, तो कम से कम एक पैरामीटर तो कम हुआ ना, कि दोनों कम से कम सेम कॉलेज के लिए सेम फील्ड में तो कॉम्पीट नहीं कर रहे। मान लीजिए मेरा और मेरी सिस्टर का है, मैं मेडिकल में हूँ, सिस्टर इंजीनियरिंग में है, तो कंपटीशन है, क्योंकि माँ बाप के लिए तो फिर यही है कि तुम ज्यादा पढ़ रहे हो या वो ज्यादा पढ़ रही है, बट कम से कम इस मामले में तो कंपटीशन नहीं है ना, कि दोनों को एक ही कॉलेज चाहिए, दोनों को नीट या दोनों को जेई क्लियर करना है। तो कॉम्पिटिशन में एक चीज कम हो गई तो इसका मतलब सीवियर, जितनी चीजें आप कम करते जाओगे उतना कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, जितनी चीजें कॉमन करते जाओगे उतना कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा। तो दो स्पीशीज के बीच में है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन आएगा, और जो कम से कम इसके कंपैरिजन में लेस सीवियर है। ठीक है, हमें पढ़ना यही है, क्योंकि हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन कौन से पढ़ने हैं? इंटर स्पेसिफिक पढ़ने। अब ये भी बात है कि जो कंपटीशन है उसका रोल क्या है। तो डार्विन ने कहा था कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कंपटीशन एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, कंपटीशन की वजह से ही इवोल्यूशन हो रहा है। अगर कहा जाए कि बेटर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जब लड़ोगे तभी तो सर्वाइवल की बात आएगी, जब लड़ना ही नहीं है तो क्या है? मान लीजिए एक ग्रासलैंड है, उसमें दो एनिमल हैं, दोनों हर्बीवोर हैं, तो काय का कंपटीशन?
इतना बड़ा ग्रासलैंड है, दो लोग खाने वाले हैं। अब एक ग्रासलैंड हो और 2 लाख लोग खाने वाले हो जाएं, तो फिर ग्रासेस के लिए कॉम्पीट करेंगे ना, कौन खाएगा डिपेंड करता है। रैबिट भी ग्रास खाता है, ग्रास हॉपर भी ग्रास खाता है, और डियर भी घास खाता है। तीनों की ब्राउजिंग एबिलिटी, तीनों के खाने का तरीका अलग अलग है, तो तीनों एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे ना। जबकि तीनों की स्पीशीज अलग अलग हो गई, बिकॉज रैबिट एक अलग मैमल है, डियर एक अलग मैमल है, और ग्रास ऊपर तो इंसेक्ट है, वो तो मैमल ही नहीं है, एक ऑर्थोपोडा है और एक कॉर्डेटा है। दो अलग अलग फाइलम के मेंबर एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज द ग्रास। तो इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही स्पीशीज या नियर बाई स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, कई बार दूर दूर की जो स्पीशीज हैं उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन हो जाता है। कंडीशन इज कि उनका फूड कॉमन है, या उनका जो शेल्टर वाला एरिया है जहाँ उन्हें रहना हैबिटेट, वो कॉमन है। मेटिंग तो कॉमन हो नहीं सकती, बिकॉज वो तो केवल इसी केस में आई। तो यहाँ एक ये चीज समझी गई है कि जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा, दैट इज यूजुअली बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं तो चीजें कॉमन हो ही जाती हैं, है ना। सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलोंजियाना, दोनों का जीनस कॉमन है, दो स्पीशीज अलग अलग है। तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों सोलेनम है, तो कम से कम दोनों की ग्रोइंग कंडीशन तो एक जैसी है, तो कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी है, बिटवीन डिस्टेंटली प्लेस्ड स्पीशीज होगा, जो दूर दूर की स्पीशीज हैं उनके बीच में भी कंपटीशन हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, है ना। कई बार ये भी हो जाता है, जैसे बुक में लिखा है कि दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, कि जब भी आप कंपटीशन करें तो सेम स्पीशीज के मेंबर के बीच में करें, कई बार ये अलग अलग स्पीशीज के मेंबर के बीच में भी हो जाए। क्यों हो जाता है, इसके दो रीजन समझाए गए, है ना। दो रीजन क्या है, टू रीजन या एग्जाम्पल्स यहाँ पे बेसिकली दिए गए हैं। वो एग्जाम्पल क्या क्या है, एक एग्जाम्पल तो ये दिया है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो अनरिलेटेड स्पीशीज हैं उनका जो रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल उनका जो फूड है, वो कॉमन हो जाता है ना। आप कह सकते हैं समटाइम्स फूड या रिसोर्सेज हैं आर कॉमन। अब बुक में पढ़ेंगे तो ये भी आएगा कि अनरिलेटेड स्पीशीज भी कॉम्पीट करती हैं, बिकॉज उनका रिसोर्सेज जो है, उनका जो फूड है वो कॉमन हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक फूड है, दैट इज जू प्लैंकटॉन, ये फूड है, इसको खाने के लिए दो लोग हैं, एक है साउथ अमेरिकन लेक्स में विजिटिंग, जो केवल विजिट करने आती हैं, फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगोस बर्ड हैं, और दूसरा क्या है, उसमें जो लेक में फिशेस हैं, रेजिडेंट फिशेस, साउथ अमेरिकन लेक, इसमें लेक में कुछ ना कुछ उसकी अपनी फिशेज होंगी, रेजिडेंट फिशेस, और कुछ बर्ड विजिट करने आती हैं, विजिटिंग फ्लेमिंगोस। अब ये बर्ड हैं और ये फिश हैं, कॉर्डेटा फाइलम में ये बहुत पहले आती है, और ये फिर बर्ड के बाद एम्फीबिया, देन रेप्टाइल, एंड देन बर्ड्स आएंगी। तो बर्ड और फिश का क्योंकि फूड कॉमन है, इसीलिए ये दोनों आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, जबकि इनकी स्पीशीज भी अलग है, जीनस भी अलग है, ऑर्डर फैमिली भी अलग है, बेसिकली क्लास भी अलग है। ये एप्स में आ गई बर्ड्स, और ये फिशेस में आ गई। तो एक तो रीजन ये है कि दोनों का फूड, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल सिंपल दिया था कि ग्रास हॉपर और कैटल दोनों ग्रास पे फीड करते हैं। ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, कैटल एक मैमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, बट दोनों का फूड क्योंकि कॉमन है तो दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, इस तरीके से। दूसरा है, कई बार होता है कि फूड फैक्टर नहीं होता, है ना, जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटिंग फैक्टर हो, रिसोर्सेज नॉट बी ए लिमिटिंग फैक्टर। फॉर
फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर? जरूरी नहीं है कि कंपटीशन केवल इसीलिए हो कि दोनों लिमिटिंग फैक्टर, दोनों के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। घर में चार रोटी है तो ठीक है, दो लोग आपस में लड़ेंगे उसके बाद वो चीज करेंगे, तो जरूरी खाने को बहुत कुछ पड़ा हुआ है, फिर भी लड़ाई तो होती है ना। अब क्यों लड़ाई हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। एक नया कंपटीशन आ गया। इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि कई बार केवल एक की प्रेजेंस ही, मियरली द प्रेजेंस ऑफ वन, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ अदर स्पीशीज। वो कॉम्पीट नहीं कर रही, लेकिन केवल उसका होना किसी और के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और कॉम्पिटिशन हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं और मेरे साथ कोई और बच्चा पढ़ रहा है, जो दूसरा वाला है वो बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, स्टूडियस है, पता है कि वो टॉप कर ही जाएगा, और उससे मैं कॉम्पीट भी नहीं कर पाऊंगा, फैक्ट तो ये है। बट अगर मेरे पेरेंट्स के सामने वो आके मेरा फ्रेंड बैठ गया तो जबरदस्ती कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा। पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा लड़का जो है वो उसके बराबर नहीं पढ़ सकता, लेकिन फिर भी देखो वो पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे, जबकि कंपटीशन हो ही नहीं रहा बेसिकली, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए और उसे एम्स में टॉप क्लास की रैंक चाहिए। दो बिल्कुल अलग अलग पैरामीटर है। मुझे 50,000 सीट में से एक चाहिए, उसे पहली की 10 सीट में से एक सीट चाहिए, काहे का कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन तब भी कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया ना, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए दोनों एक ही चीज के लिए, दोनों ह्यूमो सेपियंस है, दोनों का माइंड एक है, दोनों बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों? तो कई बार रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ स्कूल का। स्कूल का क्या होता है, एक प्ले ग्राउंड है, छोटे बच्चे किड्स आराम से खेल रहे हैं स्कूल में, जो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकेंड के होते हैं, आराम से खेलते रहते हैं। बस केवल वहां से प्रिंसिपल गुजर रही हो, सारे किड्स जो है वो शांति से खड़े हो जाएंगे। अब क्या प्रिंसिपल मना कर रही है कि तुम मत खेलो, प्लेग्राउंड है, प्ले टाइम है तो खेलो गई। क्या प्रिंसिपल तुम्हारे साथ खेलने आ रही है कि वो बड़ी है जीत जाएगी, तुम छोटे हो हार जाएगी? नहीं, लेकिन केवल उनकी प्रेजेंस कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रही है कि वो खेलना बंद कर देते हैं, और जैसे प्रिंसिपल वहां से क्रॉस करके गई हो फिर अपनी मस्ती में आके खेलना शुरू कर। तो केवल एक की प्रेजेंस इनफ है कॉम्पिटिशन क्रिएट करने के लिए। इस टाइप के कॉम्पिटिशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन। इसको मैं डिफाइन करके लिख नहीं रहा क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मेरा पर्पज ये था कि ये टॉपिक, ये चैप्टर आज खत्म हो जाए। आपको ये टर्म पढ़ना है, इसकी एक डेफिनेशन बुक में लिखी होगी इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन की, कि फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, इवन द रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, है ना। प्रॉब्लम है ही नहीं, खेल का मैदान बहुत बड़ा था प्रिंसिपल को, क्योंकि बच्चों के साथ कंपटीशन करना ही नहीं था। इंपॉर्टेंट ये कि बच्चों के माइंड में सेट हो गया कि वो खड़ी है तो हम खेलना बंद कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कंपटीशन, है ना। लिख लेंगे ना अपनी डेफिनेशन अपने आप, यस सर। है ना, कि सिर्फ मैं समझा दे रहा हूँ, ये जगह छोड़ दे रहा हूँ, चाहूंगा तो जब नोट्स आपको भेजूंगा तो मैं लिख दूंगा उसमें इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन आपको देखना है। अब इसके बाद क्या आएगा, एक और टर्म यूज होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या कॉम्पिटिशन को रिलीज किया जा सकता है? अगर नुकसान ही कर रहा है कॉम्पिटिशन तो क्या कॉम्पिटिशन को खत्म कर सकते हैं? कॉम्पिटिशन रिलीज या कॉम्पिटिटिव रिलीज होगा, बेसिकली बुक में कॉम्पिटिटिव लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि क्या हम कॉम्पिटिशन को रिलीज कर सकते हैं? ये भी देखा गया कि एक मान लीजिए एक बड़ा सा एरिया है, ये पूरा एक एरिया है, इसको भी आप बुक में पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे आपके बुक में मान लीजिए ये दिया है कि ये इंटर टाइडल एरिया है ऑफ रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जहां का ये एक्सपेरिमेंट है, स्कॉटलैंड में एक रॉकी कोस्टल एरिया है, रॉकी सी कोस्ट का एरिया है, जहां पे इंटर टाइडल टाइड्स के बीच का जो एरिया है वो ये बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो स्पीशीज हैं, एक है बेलेनस
और एक है कैथेमेलस। ये बैरेंकेल है, बैरेंकेल समझते हैं? बैरेंकेल्स आपने हेमीकॉर्डेट्स में पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम में। बैरेंकेल्स के नाम है बेलेनस और कैथेमेलस, ये दो अलग अलग जीनस स्पीशीज के हिसाब से है। इसमें जो सुपीरियर है वो बेलेनस है, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, और ये बड़ा भी होता है लार्ज। ये इंफीरियर है और स्मॉल साइज का भी होता है, कैथेमेलस। तो होता क्या है कि अगर आप इस तरीके से देखें कि जब ये होगा इंटर टाइडल एरिया को देखोगे, तो होगा क्या कि जो कैथेमेलस की कॉलोनी है या जो रेंज है ना, वो एक छोटा सा एरिया है पूरे बड़े से एरिया में। एक केवल छोटी सी एरिया में कैथेमेलस है, बाकी पूरे एरिया में क्या है, चारों तरफ जो सुपीरियर बैरेंकियल है वो है, दैट इज बेलेनस। अब यहाँ ये देखा गया कि अगर इसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें, एक्सपेरिमेंट में ये करके देखा गया कि अगर हम कैथेमेलस को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें, तो फिर होगा ये कि जो बेलेनस है, या उल्टा समझ लीजिए कि अगर हम बेलेनस को एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ये सुपीरियर है, मान लीजिए इसको हमने हटा दिया यहाँ से, तो जो अभी तक नैरो जियोग्राफिकल रेंज में था वो अपनी लोकेलिटी बढ़ा लेगा, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन तो हट गया ना। अगर हट गया तो ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। अगर एक बैलेनस यानी सुपीरियर बैरेंकल को एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम नेचर में रिमूव नहीं कर सकते, नेचर में तो जब ये सुपीरियर है तो कैसे रिमूव हो जाएगा, नेचर में तो इन्फीरियर रिमूव होता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से करके देखा गया कि जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज है, अगर उसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें, तो जो अभी तक इन्फीरियर स्पीशीज किसी नैरो जियोग्राफिकल एरिया में थी, वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर लेगा, वो इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। जैसे घर में होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैं अपनी फैमिली का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मेरा एक रूम है, लिमिटेड है, पूरे 4 BHK के हाउस में, एक बड़े से घर में मेरे पास केवल एक कमरा है जिसमें मैं जैसे चाहे वैसे रहूँ। पेरेंट्स ने अलाउ कर रखा है, जैसे चाहे वैसे सामान फैलाओ, आपका भी होगा शायद अपने रूम में, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बिकॉज वो कमरा आपका है, बस बाहर आके ये तमाशा नहीं करना है आपको, अपने रूम में जो करना है वो करते रहिए। तो क्योंकि पेरेंट्स सुपीरियर हैं तो आप इंफीरियर हो, तो एक नैरो रेंज आपको दे दी गई, एक कोने में पड़े रहिए, अपना जैसे चाहे वैसे मैनेज करें। लेकिन जिस दिन पेरेंट घर से जाएंगे, कहीं बाहर चले गए, ऑप्शनली जाएंगे, हमेशा के लिए पेरेंट्स कहीं नहीं जा रहे, कहीं पार्टी में चले गए, एक दो दिन के लिए बाहर चले गए, तो जो अब तक आपका एक कमरा था वो फैल के पूरा घर बन गया आपका। आपने अपनी पूरी रेंज बढ़ा ली, बिकॉज आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा था, जो पोटेंट फोर्स था, जिसकी वजह से आप एक नैरो रेंज में थे, अब वो फोर्स हट गया, कॉम्पिटिशन को रिलीज कर दिया। जब कॉम्पिटिशन को रिलीज कर दिया तो आपने अपनी रेंज बढ़ा ली। सो दैट इज फिनोमिना, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो आपको ये याद रखना है, क्लियर? एक और वर्ड आएगा इसी में, एक और फिनोमिना आएगा, इसको गॉस ने दिया था, इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन लिख सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये गॉस का था, इन्होंने दिया था। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिट कर रही हैं, किसी भी वजह से कॉम्पिटिट कर रही हैं, तो वो तब तक कॉम्पिटिट करेंगी जब तक दोनों में से एक एलिमिनेट ना हो जाए। जो एलिमिनेट होगी दैट विल बी इंफीरियर स्पीशीज, जो एलिमिनेट करेगा उसको दैट विल बी सुपीरियर स्पीशीज। सो अगर मान लीजिए हम दो ऑर्गेनिज्म को एक जगह पर रख दें जहां पे रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, तो शुरू में क्या होगा, जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ग्रो करते रहो। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से रिसोर्सेस कम पड़ने लगेंगे, तो एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सुपीरियर वाला इंफीरियर को उस जगह से एलिमिनेट नहीं कर देता। दैट रूल इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेस कांट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्पीशीज जो एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हो, वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक एग्जिस्ट करें। एट लास्ट कभी ना कभी उनमें कॉम्पिटिशन होगा,
एंड द सुपीरियर वन इवेंचुअली एलिमिनेट्स द इंफीरियर स्पीशीज। जो सुपीरियर होगी वो एट लास्ट फाइनली यही होगा कि वो इंफीरियर को उस जगह से एलिमिनेट कर दे। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गॉज ने दिया था, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, डार्विन का ही एग्जाम्पल दिया है। डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड गए थे तो अपने साथ गोट्स को लेके गए थे। गैलापागोस आइलैंड एक प्राइवेट शिप लेके गए थे, उस टाइम पे वो कोई गवर्नमेंट के तो थे नहीं, तो एक प्राइवेट फर्म्स की वजह से वो रिसर्च के हिसाब से गए थे। गोट्स को अपने साथ ले गए कि आइलैंड पे जा रहे हैं, मिल्क वगैरह की प्रॉब्लम ना हो तो गोट्स को ले चलते हैं, यूज कर लिया जाएगा। ले गए आइलैंड पे। अब जब आइलैंड पे ले गए तो हुआ ये कि गोट्स की ब्राउजिंग एबिलिटी, ग्रोस के जो चरने की ताकत है, जो घास खाने की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ ग्रेटर ब्राउजिंग एबिलिटी गोट्स ने क्या किया, वो पूरे जो आइलैंड पे जितना भी ग्रासेस है और जितना भी हर्बीवोर्स था, जितना भी प्लांट मटेरियल था, वो सारा ग्रेस कर लिया। तो जो उस आइलैंड के नेटिव, जो उसके अपने एबिंगडन टॉर्टोइस थे, वो एबिंगडन टॉर्टोइस जो है वो 10 सालों के अंदर खत्म हो गए। बिकॉज टॉर्टाइज धीरे धीरे खाते हैं, अगर एक कछुए को खाते हुए आपने देखा हो तो बहुत धीरे खाता है। हमारा एक आंटी है, उन्होंने पाल रखा है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत धीरे खाता है। एक खीरे की स्लाइस को खाने में वो कम से कम 5 से 7 मिनट लगा देगा। और अगर आपने बकरी को खाते हुए देखा हो, जो क्वाइट कॉमन है, तो वो एक बंच पूरा जो ढेर होगा घास का, वो विद इन 50 to 20 मिनट्स आराम से खत्म कर देगी। खाना दोनों को हल्बी बोरस है, दोनों को ग्रास ही खानी है, बट एक की ब्राउजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब आप ऐसी स्पीशीज को किसी एरिया में इंट्रोड्यूस कर दोगे तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ ग्रेटर ब्राउजिंग एबिलिटी गोट्स ने अबेंडन टॉर्टाइस को एक्सटेंड कर दिया। 10 सालों के अंदर उस आइलैंड से सारे टॉर्टाइस खत्म हो गए, बिकॉज उन्हें खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा, सारा खाना तो गोट्स ने खा लिया, उनकी डेथ हो गई। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट सुपीरियर वन इवेंचुअली एलिमिनेट द इंफीरियर स्पीशीज। तो ये आपको इसमें भी एक एग्जाम्पल और ये रूल पढ़ना है बुक से। अब कंपटीशन अगर इतना ही प्रॉब्लमेटिक है कि दोनों को नुकसान ही हो रहा है, तो फिर मैनेज कैसे होगा? इकोसिस्टम तो बैलेंस होता है, तो वो बैलेंस कैसे लाया जाएगा? फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टिशनिंग। इसको हम को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। ये तो हो ही सकता है ना कि आप रिसोर्स की पार्टिशनिंग कर लें, क्योंकि अगर आप रिसोर्स की पार्टिशनिंग करेंगे तो फिर आप कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं। कंपटीशन को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप रिसोर्स को पार्टिशनिंग कर लीजिए। आप ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी अप्रोच या ऐसी एफिशिएंसी डेवलप कर लीजिए कि एक दोनों का काम चल जाए। मान लीजिए एक बुक है लाइब्रेरी में जिसमें पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट हैं, अब क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा कौन पढ़ेगा? या तो दोनों लोग लड़ लो, लड़ने के बाद डिसाइड कर लेना भाई जो एक बचेगा वो आ जाए, बुक ले जाए। दैट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कुछ और तो कर नहीं सकते ना आप। दोनों लोग ही अगर पढ़ना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई दोनों लोग आपस में डिसाइड कर लो, लाइब्रेरियन क्यों झगड़ा करेगा? या दूसरा ऑप्शन क्या है, उसी रिसोर्स को पार्टिशनिंग में ले जाओ ना। 24 घंटे तो आप भी किताब नहीं पढ़ सकते, सुबह आप पढ़ लो, शाम को आप पढ़ लो, दिन में आप पढ़ लो, रात में आप पढ़ लो, आज आप पढ़ लो, कल आप पढ़ लेना। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टिशनिंग। एक ही रिसोर्स को आपने पार्टिशनिंग में ले गए, दोनों का फायदा चल जाएगा, बिना लड़े भी काम चल सकता है, बिना नुकसान पहुंचाए भी काम हो सकता है, उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। और फिर दोनों सेफ हो जाओगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सो रिसोर्स पार्टिशनिंग से क्या किया जा सकता है, कॉम्पिटिशन को अवॉइड किया जा सकता है। सब जगह होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जहां हुआ वहां वहां नेचर ने इसको भी एक्सेप्ट किया। जैसे एक ट्री है जिसपे 5 स्पीशीज ऑफ बार्बलर्स, आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो बुक में मिल जाएगा, बार्बलर्स मंकी लाइक एनिमल्स होते हैं, 5 अलग अलग स्पीशीज एक ही ट्री पे सरवाइव कर जाती है। कैसे? एक ट्री की लीफ को खा रहा है, एक ट्री के फ्रूट्स को खा रहा है, एक ट्री का जो सूखी हुई पत्तियां और जो लिटर जनरेट होता है उस पे फीड करता है, एक लीव्स एक ट्री में जो न्यू न्यू बड्स निकलती हैं उन पे फीड करता है, इस तरीके से। तो अलग अलग स्पीशीज एक ही ट्री से रिसोर्स ले रहे हैं भाई, तभी तो मैनेज होगा, वरना क्या होगा? ग्रासलैंड में भी ग्रासेस को ग्रास, ग्रास ऊपर को ग्रास चाहिए, और हर्बीवोरस जो एनिमल्स होंगे, कैटल एंड डियर रैबिट, उनको भी ग्रासेस चाहिए। अगर सब लोग लड़ने ही लगेंगे तो फिर तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा ना। इकोसिस्टम तो बैलेंस रखना है, तो बैलेंस रखने का तरीका नेचर ने ये दिया कि आप रिसोर्स की पार्टिशनिंग कर लीजिए, है
ना, ये तो पता ही है ना, एक फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री है, तो अब ट्री में लीफ खाने वाले अलग एनिमल होते हैं, फ्रूट्स खाने वाले अलग एनिमल होते हैं, और जो वुड्स या न्यू बर्ड्स निकलती हैं उनको खाने वाले अलग होते हैं, और जो सूखी पत्तियां नीचे गिरेंगी उनको डिकम्पोज करने वाले अलग होते हैं। प्लांट एक ही है, उस पर डिपेंडेंट हर्बीवोर बहुत सारे हैं जो अलग अलग प्लांट पार्ट पे फीड करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज मेथड हम ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल पढ़ते थे, डार्विन की फिंचेस आपने पढ़ी होंगी कि 14 डार्विन की फिंचेस हैं एवोल्यूशन में। तो जो 14 स्पीशीज हैं फिंचेस की, वो गैलापागोस आइलैंड में एग्जिस्ट करती हैं कैसे? वहाँ यही तो इम्पोर्टेंट था कि उनका बीक पैटर्न अलग था, उनकी जो चोंच का तरीका है, चोंच का जो डेवलपमेंट है बीक का, वो बिल्कुल अलग है। कोई वुड खा रहा है, कोई इंसेक्ट खा रहा है, कोई लीफ खा रहा है, कोई सैप पे फीड कर रहा है, कोई डेड मैटर पे फीड कर रहा है, तभी तो एक ही तरीके की बर्ड अलग अलग स्पीशीज में मॉडिफाई होकर सब एग्जिस्ट कर रही है, वरना कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर सब लोग एक ही चीज खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर सारे स्टूडेंट ये कह दें कि हमें सबको जो है वो नीट क्लियर करके डॉक्टर ही बनना है, तो फिर तो ठीक है भाई, कंपटीशन ही होगा और सीवियर हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा अगर ये डिसाइड करेगा कि मुझे यही करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग ऑप्शंस दे दिए, कुछ इंजीनियर हैं तो कुछ डॉक्टर हैं, कुछ सीए हैं तो कुछ अकाउंट्स हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये भी है। या आप कभी वैसे देखिए, इमेजिन करके कि जो किसान होते हैं वो एक खेत में तीन तीन चार चार क्रॉप एक साथ लगा लेते हैं, है ना? आपको अभी जैसे जाड़े आ गए हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जिसकी अभी फार्मिंग होती होगी उसने देखा भी होगा, सरसों और गेहूं को एक साथ लगाया जाता है। भाई सरसों और गेहूं को एक साथ क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज सरसों डाइकॉट है, उसमें होगा टैप रूट सिस्टम जो नीचे तक जाएगी, और वीट है मोनोकॉट, उसमें एडवांटेजियस रूट सिस्टम, वो गहराई तक नहीं जाएगी, वो फैलेगी। तो मिट्टी में जो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो वीट ले लेगा, और जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रैसिका या मस्टर्ड ले लेगा। दोनों प्लांट का काम चल गया ना, दोनों का ग्रोइंग सीजन तो विंटर ही है। अगर किसान को दो क्रॉप लगानी है तो वो एक ऐसी क्रॉप लगाएगा जिसकी रूट एक अलग डेप्थ तक जाए, और एक दूसरी क्रॉप लगाएगा जिसकी रूट एक अलग है। ऐसे भी किसान होंगे जिन्होंने बाग में यही काम कर रखा है, उन्होंने मैंगो ट्री भी लगा रखा था, आम का बाग था, बीच की सारी जमीन साफ कर दी, उसमें सरसों और वीट बो दिया, तो आम के ट्री क्योंकि बहुत पुराने हैं तो उनकी रूट बहुत नीचे तक होंगी, फिर उससे थोड़ा ऊपर आएंगी ब्रेसिका यानी डाइकॉट का टैप रूट सिस्टम, और सबसे ऊपर आएगा वीट का एडवांटेजियस रूट सिस्टम। अलग अलग डेप्थ तक रूट को भेज के आप पूरे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ रिसोर्स पार्टिशनिंग। ये भी क्या है, एक रिसोर्स पार्टिशनिंग का एग्जाम्पल है। सो कॉम्पिटिशन में ये वर्ड्स काफी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव रिलीज, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, रिसोर्स पार्टिशनिंग, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन, या कौन से दो रीजन है जिनकी वजह से ये अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज प्रिडेशन, आपको जो सीक्वेंस में पढ़ना है वो प्रिडेशन, प्रे प्रिडेटर, जहां पे एक दूसरे को मार के खाना ही इम्पोर्ट, एक दूसरे का मतलब है कि प्रेडेटर हमेशा प्रे को यूज करेगा फॉर इट्स सर्वाइवल, तो प्रे को हमेशा नुकसान होगा नेगेटिव, और प्रेडेटर को हमेशा फायदा होगा पॉजिटिव। आगे आप इकोसिस्टम पढ़ोगे तो प्रेडेटर हमेशा हाई लेवल पे होता है, जैसे जब हम फूड चेन बनाते हैं अगर आप फ्री फूड चेन बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, दिस इज लाइक ग्रास, इसको फीड किया मान लीजिए रैबिट ने, रैबिट के ऊपर मान लीजिए फॉक्स है, तो फॉक्स के ऊपर लायन है, तो ये प्रे तो ये प्रेडेटर, अगर ये प्रे तो ये प्रेडेटर, अगर ये प्रे तो ये प्रेडेटर, तो प्रेडेटर जो भी होगा वो प्रे से ऊपर आएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो प्रेडेटर हमेशा हायर ट्रॉफिक लेवल का एनिमल होगा, ये ठीक है ना? पर प्लांट्स रेयरली प्रेडेटर होते हैं, बिकॉज एनिमल्स ही एनिमल्स क्योंकि कंज्यूमर है, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल कैसे होते हैं, प्रेडेटर होते हैं। हालांकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कहीं पे आपने पिचर प्लांट पढ़ा हो, तो वो बेसिकली प्रिडेटर प्लांट है क्योंकि वो इंसेक्ट को ट्रैप करके यूज कर रहा है। सो इंसेक्ट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे समझाया गया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, चैप्टर इजी है, अब ज्यादा कुछ इसमें बताना। सर, प्रीडेटर बोलो। और पैरासाइट में मेन डिफरेंस क्या बताएंगे?
पैरासाइट होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा बिना होस्ट को मारे, और प्रेडेटर होस्ट प्रे का मार के ही न्यूट्रिशन ले सकता है, यही डिफरेंस है। प्रेडेशन में सर्वाइवल ऑफ द प्रे नहीं हो सकता, प्रे की डेथ होगी तो प्रेडेटर सर्वाइव करेगा, लेकिन पैरासिटिज्म में होस्ट की डेथ हो ही नहीं सकती, होस्ट की डेथ होगी तो पैरासाइट अपने आप मर जाएगा ना। यहाँ पे जब तक रैबिट ग्रास को तोड़ेगा नहीं कैसे जिंदा रहेगा, फॉक्स जब तक रैबिट को मारेगा नहीं क्या खाएगा, लायन जब तक फॉक्स को मारेगा नहीं तो क्या खाएगा। लेकिन अगर ये बना होता कि नहीं मेरी बॉडी पे मलेरियल पैरासाइट है तो मैं, मेरी डेथ हो गई तो मलेरिया के पैरासाइट की डेथ तो अपने आप हो जाएगी, तो वो मेरे मरना मतलब पैरासाइट का मरना, जो नहीं हो सकता। तो होस्ट की डेथ नहीं होती पैरासिटिज्म में, प्रे की डेथ होती है प्रिडेशन। अब ये समझाया गया है कि प्रिडेशन का नेचर में रोल क्या है, अगर हम कहें कि नेचर में ये रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो फिर यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट क्या आएगी कि जैसे एक तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ग्रास की एनर्जी रैबिट में जा रही है, रैबिट की फॉक्स में, फॉक्स की लाइन में, ये आप इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए, ट्रांसफर ऑफ फूड के लिए प्रिडेशन का होना जरूरी है, पहला रोल हो गया। दूसरा, अगर रैबिट ना हो तो ग्रास की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, अगर फॉक्स ना हो तो रैबिट की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि लायन तो रैबिट को खाएगा नहीं। अगर फॉक्स नहीं होगी तो लायन की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए भी इसका होना जरूरी है, दूसरा इम्पोर्टेंस हो गई। तीसरी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने मतलब ह्यूमन ने जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट किया हुआ है वो भी तो इसी बेस पे किया। जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है ओपनशिया, ओपनशिया कैक्टस है, कैक्टस की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया है कि वहां पे एक इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये इंसेक्ट वो है जो ओपनशिया के अंदर सैप होता है, जैसे एलोवेरा में जेल होता है वैसे कैक्टस के अंदर भी जेल होता है, ये इंसेक्ट उस जेल पे फीड करता है। अगर ओपनशिया का जेल सारा खत्म हो जाएगा तो उसकी डेथ तो प्लांट की अपने आप हो जाएगी। तो एक प्लांट को कंट्रोल करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हमने एक इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया उस एरिया में, अपने आप प्लांट की ग्रोथ रुक गई। तो अनवांटेड प्लांट के लिए अभी तक हम स्प्रे करते थे वीडीसाइड का, हार्मफुल केमिकल्स का, हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल कर लिया, जैसे आपने माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ा था, तो यहाँ पे माइक्रोब की जगह मैक्रोब आ गया। इस काम में भी हम जो है वो प्रेडेशन को यूज कर रहे हैं। या जैसे आप वो भी पढ़ते हैं कि मॉस्किटो के लार्वी को कंट्रोल करने के लिए गम्बूशिया जो फ्रेश वाटर फिश है उसे इंट्रोड्यूस कर देते, वो फीमेल एनाफिस मॉस्किटो के लार्वी खा लेगी, तो जब ना लार्वा एडल्ट में बनेगा ना मलेरिया का ट्रांसमिशन होगा। तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए हम फ्रेश वाटर फिश को यूज कर लेते, ये सारी चीजें। एक ये भी है कि किसी भी एरिया में, किसी भी कम्युनिटी में जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी प्रेडेटर चाहिए, है ना, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी प्रेडेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे है क्या, यहाँ भी एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए कोई एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे क्या है 10 स्पीशीज हैं ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये स्टडीज हैं और साइंटिस्ट और जगह के नाम याद रखिएगा, आप इसको पढ़ोगे तो ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की स्टडी है कि अमेरिका के पैसिफिक कोस्टल एरिया में देखा गया कि एक एरिया में 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट है, और इन सबके ऊपर जो इनका प्रे है वो भी है, प्रे क्या है, पियास्टर, पियास्टर इज स्टारफिश। तो इन सारे इनवर्टिब्रेट ये प्रे हैं, और सॉरी ये प्रेडेटर है, इनका प्रेडेटर क्या है, इनका प्रेडेटर स्टारफिश है। तो यहाँ ये देखा गया कि ये 10ों स्पीशीज मेंटेन रहती हैं क्योंकि ये है, जैसे कहते हैं ना कि आपस में लड़ोगे तो नुकसान होगा, तो ये आपस में बना के रखेंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट में रहना है। अगर इसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दो तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगी और फिर सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तो फिर वही है कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कि इनमें से जो सुपीरियर होगा एट लास्ट वही बचेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये भी देखा गया कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली स्टार फिश को रिमूव कर दें तो ये जो 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट की है इस एरिया के अंदर, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के अंदर, ये 1 साल के अंदर एक्सटेंट हो जाती है। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी प्रिडेटर का होना जरूरी है, अगर एक चेक फोर्स नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेडेशन, तो फिर ये गलतियां, ये आप कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नेचर में हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये
प्रिडेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है प्रूडेंट प्रिडेटर, प्रूडेंट का मतलब होता है रिलायबल। ऐसा भी नहीं होता कि अगर प्रिडेटर प्रे का यूज करता है, प्रे को किल करता है, तो बिना किसी बात को मारते चला जाए। भाई अगर ये सोचो कि लायन हर बात पे फॉक्स को मार दे, ऐसा तो ना होगा। लायन को मारने के लिए भी चेज करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, यूज करना, इतनी मेहनत तो जब जरूरत होगी तभी तो करेगा। तो ये भी नहीं होता कि जो प्रेडेटर है वो रिलायबल ना हो, वो ओवर एक्सप्लॉइट करे प्रे की पॉपुलेशन को, ये सही नहीं है। वो उतना यूज करेगा जितना उसे अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी लगता है। एक टर्म यूज हो गया प्रूडेंट प्रेडेटर, मीन्स प्रेडेटर डज नॉट एक्सटर्मिनेट द प्रे बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, प्रेडेटर प्रे को ओवर एक्सप्लॉयट नहीं करता। तो ये सब प्रेडेशन के नेचर में रोल है, या उनसे रिलेटेड कुछ लाइंस दे रखी है। अब ये तो बात हो गई प्रेडेटर के एंगल से, प्रे को भी तो अपना बचाव करना होगा ना, क्योंकि नेचर ने दोनों को पावर दी है। अगर लायन को ये पावर दी है कि वो डियर को चेस करके मार सके, तो डियर को भी दौड़ने की पावर दी है ना कि डियर बच सके। अब ये तो देखने वाली बात है कि डियर बच गया तो ठीक, नहीं तो लायन तो डियर को मार ही देगा, वो तो रूल है ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि डियर सीधे खड़ा रहेगा और लायन आएगा और मार के चला जाएगा, डियर को भी दौड़ने की ताकत दी। तो प्रे के पास भी डिफेंस करने के ऑप्शन नेचर ने दिए। वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनमें से कुछ लाइंस आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी। लाइक एक एग्जाम्पल दे रखा है मोनार्क बटरफ्लाई का, एक बटरफ्लाई है मोनार्क, इसका जो प्रेडेटर है वो एक बर्ड है। अब बर्ड के लिए जो ये मोनार्क बटरफ्लाई है ना, ये हाईली डिस्टेस्टफुल है, बर्ड को टेस्ट नहीं आता बटरफ्लाई खाने में। अब टेस्ट क्यों नहीं आता, उसका रीजन ये है कि जब ये बटरफ्लाई अपनी लार्वल स्टेज पे था, तो लार्वल स्टेज में उसने जिस प्लांट पे फीड किया था उस प्लांट से वो सब्सटेंस उसकी बॉडी में आ गया, और कैटरपिलर जब एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हुआ तो सब्सटेंस उसकी बॉडी में छूट गया। अब वो सब्सटेंस प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस ये अपने बर्ड से आसानी से बच लेती है। तो एक बटरफ्लाई जिसने एक सब्सटेंस अपनी लार्वल स्टेज में कभी लिया था, जैसे कहते हैं ना पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए, सेम सिचुएशन है कि लार्वल स्टेज में एक प्लांट मटेरियल अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया जो एडल्ट में उसके बचने का काम करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस वो अपनी प्रेडेटर अपनी बर्ड के लिए डिस्टेस्टफुल है। तो ये एक एग्जांपल एनसीईआरटी में। ऐसे बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं, अब बबूल को तो कोई ग्रेज ग्रेज नहीं करता ना, बोगनबिलिया में भी कांटे होते हैं। कभी देखा है कि गाय भैंस आके बोगनबिलिया को खा जाए, क्योंकि पता है कि उन पेड़ में कांटे हैं और खाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो नेचर ने प्लांट को भी डिफेंस दे रखा है कि वो हर्बी बोर से बच सके, तो ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्लांट के अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा हो कैलोट्रॉपस का प्लांट होता है, पॉइजनस होता है, उसमें वैसे तो एल्कोलाइड है बट कैलोट्रॉपस को कोई नहीं खाता। कनेर के पौधे को कोई भी ग्रेजर ग्रेज नहीं करता, कुकरबिट्स को कोई भी नहीं करता, तंबाकू के पौधे को कोई भी नहीं खाता बिकॉज उसमें निकोटीन है, कॉफी के प्लांट को कोई नहीं खाता क्योंकि कैफीन है इस टाइप के, या धतूरा के प्लांट को कोई भी नहीं खाता क्योंकि उसमें स्टाइचीन एल्कलॉइड है। तो बिकॉज ऑफ दीज सब्सटेंसेस ये प्लांट अपने प्रेडेटर यानी हर्बीवोरस एनिमल से आसानी से बच सकते हैं। तो प्रे को डिफेंस दिया है, प्रेडेटर को पावर दी है, लेकिन दोनों को बैलेंस में नेचर ने रखा है। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्रेडेशन। तो प्रेडेशन पढ़ लीजिएगा एक बार। देन दे रखा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है उसके तो मजे ही मजे हैं, बिकॉज उसे तो होस्ट की बॉडी पे रहना है, फ्री लॉजिंग एंड मील, रहने और खाने की फ्री में जगह। अगर मलेरिया का पैरासाइट के हिसाब से सोचो तो प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी फ्री में मिल रही है रहने खाने के लिए। तो पैरासिटिज्म बेसिकली फ्री लॉजिंग एंड मील इंश्योर करता है फॉर पैरासाइट, और होस्ट को हमेशा नुकसान ही होगा, निगेटिव है, पॉजिटिव आएगा पैरासाइट के लिए, होस्ट के लिए हमेशा निगेटिव। होस्ट की बॉडी हमेशा वीक ही होगी, अगर हमारी बॉडी पे कोई भी पैरासाइट है तो हमें नुकसान करके ही जाएगा, सीधा सा रूल है। अब अगर हम ये कहें कि हम तो मोस्ट एडवांस टाइप के एनिमल हैं, तो हमने प्लाज्मोडियम के लिए रेजिस्टेंस डेवलप क्यों नहीं कर लिया, जबकि प्लाज्मोडियम तो एक प्रोटिस्टा है ना, एक प्रोटोजोआ है, और हम तो सबसे एडवांस एनिमल अपने आप को मानते हैं, बट बिना दवाइयों के मलेरिया से बच सकते हो, नहीं बच सकते। एक छोटा सा बैक्टीरिया न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया आपको न्यूमोनिया होकर डेथ तक ले जा सकता है। तो क्यों ले जा सकता है, उसका रीजन है कि अगर नेचर ने हमें ये पावर दी है कि हम रेजिस्टेंस डेवलप कर सकें,
तो साइड बाय साइड नेचर ने प्लाज्मोडियम को भी तो पावर दी है कि वो उसको काउंटर एक्ट कर सके। अगर हम डिफेंस डेवलप करेंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा हम पे डिजीज कॉज करने के लिए। एवोल्यूशन तो दोनों में हो रहा है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि ह्यूमन में एवोल्यूशन हो और प्लाज्मोडियम में ना हो। तो अगर होस्ट इवॉल्व होगा तो साइड बाय साइड पैरासाइट भी इवॉल्व होगा। आज से 100 साल पहले भी और आज से 1000 साल के बाद भी हमारी बॉडी वीक रहेगी एज कम्पेयर टू प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हम पे डोमिनेंट ही रहेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। दवाइयों से बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच सकते। नेचुरल इंटरेक्शन के हिसाब से प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट दैट कॉज डिजीज ऑन द होस्ट विच इज ह्यूमन, और इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये पैरासिटिज्म कहलाती है। आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी पढ़ा होगा, उससे पहले बहुत सारे पैरासाइट्स पढ़े होंगे। पैरासाइट्स की अडॉप्टेशन भी होती हैं। जैसे पैरासाइट्स में क्या होता है कि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होते, सेंस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है, पहचानना किसे है, खाली एक होस्ट चाहिए उसी में सर्वाइव करना है। तो कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, बिकॉज डाइजेशन क्या करना है, पका पकाया तो ग्लूकोज मिल रहा है, सीधे एब्जॉर्ब कर लो, यूज कर लो। लेकिन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मलेरिया के पैरासाइट की लाइफ साइकिल भी आपने पढ़ी होगी। नंबर ऑफ स्पोर्स जो बनते हैं मीरोजॉइट या क्रिप्टो मीरोजॉइट, वो थाउजेंड्स की फॉर्म में बनते हैं पर ब्रीडिंग साइकिल। एडहेसिव स्ट्रक्चर भी होते हैं। अगर एक्टो पैरासाइट है जैसे लीच है, वो सकर से हमारी बॉडी से अटैच हो जाती है। इस तरीके से कई बार ये होता है कि डिजीज कॉज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरासाइट एक की बजाय दो होस्ट को इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे आपने ट्रिपैनोसोमा पढ़ा होगा, उसका इंटरमीडिएट होस्ट भी है। मलेरिया है, उसका भी इंटरमीडिएट होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। एंटमीबा का नहीं है, एंटमीबा डिसेंट्री कॉज करता है, सिंगल होस्ट है ह्यूमन। बट मलेरिया दो होस्ट है, ट्रिपैनोसोमा दो होस्ट चाहिए, लेशमेनिया डोनोवेनाई दो होस्ट चाहिए, एस्कैरिस में दो होस्ट चाहिए, टेनिया सोलियम में दो होस्ट चाहिए। जितने ज्यादा होस्ट उतने ज्यादा पैरासाइट के सर्वाइवल के चांसेस। तो ये पैरासिटिक एडॉप्टेशंस के लेवर फ्लूक, आपने हिपेट वो भी पढ़ा होगा, लिवर फ्लू किस क्या कहलाता है, फैसियोला हिपैटिका, हेलमिंथ में पढ़ा होगा उसमें। हाँ हेलमिंथ में ही है, हेलमिंथ या निमेटोड में है, देख लीजिएगा एक बार। तो लिवर फ्लू में भी यही है, उसकी बॉडी में ह्यूमन के अलावा दो और होस्ट हैं, तीन है, तीन लोगों के मिलकर लाइफ साइकिल हो जाती है। एक स्नेल भी है, एक फिश भी है और एक ह्यूमन भी है। तो जितने ज्यादा होस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। होस्ट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, मैंने आपको बताया, हमेशा होस्ट का नुकसान ही होगा। फिर आप पैरासाइट में जानते ही हो, बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट है तो एक्टो पैरासाइट, बॉडी के अंदर होते हैं तो एंडो पैरासाइट। जैसे लीच एक्टो पैरासाइट्स हैं, जो जुए या लाइस होते हैं वो भी एक्टो पैरासाइट्स हैं, टिक्स एंड माइट्स भी बग एक्टो पैरासाइट हैं। बट मलेरिया एंडो पैरासाइट है, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, टाइफाइड का बैक्टीरिया, ये सब एंडो पैरासाइट है। तो एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट भी आप पढ़ सकते हैं। एक एनसीईआरटी में वर्ड दे रखा है ब्रूड पैरासिटिज्म, जैसे वो थ्री इडियट्स वाला एग्जाम्पल, कि जो कुकू है, जो कोयल है, वो अपने अंडे कोयल के घोंसले में देती है। तो वो न्यूट्रिशन के हिसाब से पैरासिटिज्म कहलाती है, उसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। कि वहां पे पैरासिटिक बर्ड है दैट ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट, और होस्ट फिर उसको इनक्यूबेट करता है ये मान के कि ये मेरे अंडे हैं, और जब उनसे चिकन बाहर आएंगे तो वो बर्ड की फॉर्म में उड़ के अपना चले जाएंगे। जैसे कुकूज का एग्जाम्पल है कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, स्प्रिंग टू समर तक वो वहीं रहेंगे। अदरवाइज अपने उसमें देगी तो फिर क्या होगा, कुकूज के एग्स पे फीड करने वाले प्रेडेटर तो बहुत सारे हैं, कुकूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। तो नेचर ने अडॉप्टेशन दे दी कि भैया तुम अपने एग उसमें दे दो। तो ये सब पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल में है, इतने तो आपको एटलीस्ट पढ़ने ही है, क्योंकि जो जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको पढ़ना ही है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। एनसीआरटी के अलावा जो एग्जाम्पल बुक्स में मतलब केल्विन मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, वो सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से दिए हुए हैं, बट एग्जाम्पल जो एनसीआरटी के हैं वो जरूर पढ़िए। लास्ट में एमेंसलिज्म दिया है, जिसमें एक क्लासिकल एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स का। एमेंसलिज्म में क्या होता है, नीट 2019 का ही क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन यूज होता है। तो उसका आंसर है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। जैसे जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टडी कर रहे थे, तो मैंने आपको रिसेंटली माइक्रो में पढ़ाया था कि वो तो स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पेनिसिलियम फंगी से कुछ ऐसा रिलीज हुआ जिसकी वजह से स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई, एंड दैट सब्सटेंस वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक।
तो पेनिसिलियम फंगी को ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान, क्योंकि पेनिसिलियम फंगी ने तो एज ए बाय प्रोडक्ट पेनिसिलिन को रिलीज कर दिया। नुकसान किसको हुआ? स्टेफाइलोकॉकस को। तो बैक्टीरिया को नुकसान हुआ, फंगी को ना फायदा ना नुकसान हुआ, तो नेगेटिव जीरो हो गया। सो दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एमेंसेलिज्म, -0। उसको हम बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी कहते हैं, या उसको एंटीबायोसिस भी कहते हैं, अगेंस्ट लाइफ। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को जो है वो नुकसान हो रहा है। एक ही एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, दैट इज पेनिसिलियम। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक आपको इतना करना था यहाँ पे। ये अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस थे जो हमें स्टडी करने है ना, प्रेडेशन और इसके बाद पैरासिटिज्म और एमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। कुछ और भी इंटरेक्शन बुक में मेंशन होंगे, लाइक कैनाबलिज्म भी आपने पढ़ा होगा। कैनाबलिज्म का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म अपने ही ऑर्गेनिज्म को खा ले, जैसे कॉकरोच होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, तो बड़े कॉकरोच छोटे कॉकरोच को खा लेते हैं, टर्माइट्स अपने ही एक्स को खा लेती है, तो वो कैनाबलिज्म कहलाता है। ऐसे स्कैवेंजर्स भी होते हैं, स्कैवेंजर्स वो एनिमल है जो डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। लायन बिना किसी बात के किसी को नहीं मारता है ना, अगर आप लायन को नेचर में देखोगे तो लायन केवल लायन की रोल है कि लायन को आप कभी भी देखोगे डिस्कवरी या नेट जियो पे तो चेस किल एंड कंज्यूम की हैबिट होती है। ये नहीं कि खड़ा हुआ हिरन है और मार दिया, पहले वो दौड़ाएगा, फिर उसके बाद किल करेगा, और किल करके छोड़ नहीं देगा, किल करके उसे खाएगा भी। ऐसा नहीं है कि भूखा है तो फ्री में मिल गया तो खा लिया, क्योंकि लायन फॉरेस्ट में अपने आप को अपनी कम्युनिटी में उसे सुप्रीम प्रूव करना होता है, तो वो जितना ज्यादा चेस करेगा उतना ज्यादा उसे अपनी हर्ड में, उसके अपने ग्रुप में उसे उतना सेटिस्फेक्शन या उतनी उसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल बिहेवियर। सो चेस एंड किल एंड कंज्यूम की हैबिट आती है। और इसके एवेंजर्स क्या करते हैं, मारा किसी और वजह से था, चाहे नेचुरल डेथ हो जाए या किसी और ने मार के छोड़ दिया, बस वो आएंगे और उस डेड मटेरियल पे फीड कर लेंगे। सो इसके एवेंजर्स अलग होते हैं और प्रेडेटर्स जो है वो अलग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये सब याद रखिएगा। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी तो फिर हो ही रहा है। हाँ जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। बोलो बोलो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ही पढ़ाया है वैसे भी। सर प्रेजेंट कर दूं? हाँ, श्योर। सही वाला क्वेश्चन ओके, इसमें क्या था? पेडिग्री चार्ट ऑफ ए सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द करेक्टर। ओके, फीमेल पेरेंट इज हेटरोजाइगस, पेरेंट्स कुड नॉट हैव ए नॉर्मल डॉटर फॉर हिज करेक्टर। बस पेडिग्री को सॉल्व करके आपको देखना है। इसमें देखो, मेल डिजीज्ड है और डिजीज मेल से मेल में जा रही है ना, अगर देखा जाए तो डिजीज दोनों जनरेशन में, अगर दोनों जनरेशन में, तो इसका मतलब ये है कि ये डोमिनेंट डिजीज होगी, बिकॉज डोमिनेंट कभी भी स्किप्स नहीं करते करेक्टर को। अब डोमिनेंट में आपने पढ़ा है कि एक सिंगल एलील भी अगर इफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव होगा, तो वो डिजीज कॉज करने के लिए उतना ही कैपेबल है जितना दोनों डिफेक्टिव एलील करते हैं। मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो या होमोजाइगस हो, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। अब अगर आप इसमें मेल को हेट्रोजाइगस मानोगे, तो मेल से जो जीन निकलेगा वो कंसिडर करोगे, तो मेल में भी जा सकता है, फीमेल में भी जा सकता है, बट फीमेल के अंदर तो वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा। इसका मतलब है फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, तो मेल को होमोजाइगस लोगे तो फिर डिजीज सब में जानी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स कुड हैव नॉट ए नॉर्मल डॉटर फॉर हिज करेक्टर, मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट तो आ सकता है, अगर इसे होमोजाइगस आप बना दोगे तो उसके हिसाब से
अगर मेल में भी जाएगा तो फीमेल में भी जाना चाहिए, तो फोर्थ तो ऑप्शन नहीं आएगा। होमोजाइगस होगा तो फिर सब में करेक्टर जाएगा, सब में जाएगा तो डिजीज सबको होनी चाहिए। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड होता तो फिर मेल से फीमेल यानी डॉटर में जाता करेक्टर, जबकि मेल से मेल में जा रहा है वो भी नहीं आएगा। पेरेंट्स कुड हैव हैड ए नॉर्मल डॉटर, कुड नॉट हैव ए नॉर्मल डॉटर फॉर दिस करेक्टर। अगर ये डिफेक्टिव एलील हम माने तो फीमेल के अंदर जा सकता है, नॉर्मल नहीं आएगा, कैरियर आएगा। एंड फीमेल पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस है, मेल होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों होता तो सब में सेकंड ऑप्शन ही आएगा केवल। मेरे हिसाब से पेरेंट्स वुड नॉट हैव ओके सर। नॉर्मल डॉटर फॉर हिज करेक्टर। सर और एक ही 51 में क्या है 51 में, ए वुमन, कुछ ब्लर्ड आ रहा है। ओके, ए वुमन हैज ए एक्स लिंक्ड कंडीशन, सॉरी ये ट्विस्ट हो गया। ओके, वुमन हैव ए हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय। एक्स लिंक्ड कंडीशन है वो भी केवल एक क्रोमोसोम पे, तो यानी कि वो कैरियर हुई, और अगर कैरियर हुई तो डॉटर या लेडी या फीमेल कैरियर केवल तभी हो सकती है जब वो एलील उसके फादर से आया हो। क्रोमोसोम कैन बी इन, अच्छा आगे जनरेशन में देखना है, ठीक है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है, वुमन हैज एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स पे है, और वो एक्स मेल में भी जा सकता है, फीमेल में भी जा सकता है। सर तो इसका आंसर डी होना चाहिए। बोथ सन्स एंड डॉटर, यस। ओके सर। लेकिन डॉटर में जाएगा तो हाँ, इनहेरिटी तो पूछा, ये थोड़ा ना पूछा डिजीज होगी या नहीं होगी, डी आ जाएगा। सर आंसर जो दे रखा है वो फर्स्ट वाला दे रखा है। फर्स्ट में क्या ऑप्शन था, ओनली सन। ओनली सन। अगर हम एक नॉर्मल कंसीडर कर ले तो नॉर्मल एक्स वाई है, फीमेल कैरियर है, एक्स डॉट एक्स मान लो, तो एक्स से वाई मिलेगा। सर हाँ, तो एक्स से वाई ये सन तो केवल अफेक्टेड होगा, सन तो अफेक्टेड होगा, डॉटर एक्चुअली कैरियर होगी। अब इसमें कैरियर अगर आपको नहीं कंसिडर करना है, नॉर्मल कंसिडर करना है, तो ओनली सन्स आ जाएंगे। बट क्योंकि ये नहीं लिखा कि डिजीज कहाँ होगी, सिर्फ ये लिखा है कि क्रोमोसोम कौन इनहेरिट करेगा, तो क्रोमोसोम तो बेसिकली दोनों लोग ही ले रहे हैं, फोर्थ आंसर आना चाहिए। सर और एक ये वाला दिखाओ। जेनेटिक क्रॉस शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एक्चुअली हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस फॉलो कर, जो भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ना वो क्रिस क्रॉस पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब है मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में, अथवा मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, या फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल मेल, इस तरीके से जब पैटर्न आता है तो उसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, और फिर ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इनके लिए आएगा, ये आंसर होगा। ओके सर। चलो सो नेक्स्ट क्लास में इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसे पढ़ लीजिए।